गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस योर दोस्त है विशाल सर एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अनअकैडमी नीट, ए वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल एंड योर प्रोफेशन इज गोइंग वेल। तो फटाफट गाइस सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। सो दिस इज द डे टू ऑफ फिजिक्स ऑफ 75 हार्ड चैलेंज, इन विच टूडे वी आर गोइंग टू सॉल्व, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस, वी आर गोइंग टू लर्न वर्क पावर एनर्जी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा वर्क पावर एनर्जी। तो फटाफट गाइस सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं सबको अच्छे से ऑडिबल हूं, विजिबल हूं, सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर दिस सेशन। यस, यही रह गए आपके दिल में ही थे। अब नाउ वी आर प्रेजेंट, वी आर लाइव, और द मेन थिंग इज दैट कि हमने पहला दिन कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर इन द सेकेंड डे। सेकेंड डे में अब हम क्या करने वाले हैं, आज यहाँ पे हम करने वाले हैं कुछ बेहतरीन कंसेप्ट्स को लर्न, जिससे कि हम जानेंगे। आवाज आ रही है? चलिए चलिए, बिल्कुल वॉइस, वीडियो, वॉइस वगैरह सब क्लियर है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेशन। तो फटाफट मुझे बताइए कि कल का जो हमने सेशन डील किया था, कल हमने पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन, तो कैसा सेशन रहा आपका और क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या चीजें आपने वहां पर नई सीखने को मिली, तो मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, सो दैट वी कैन मूव ऑन। एंड द मेन थिंग इज ऑल्सो, मेन थिंग यहाँ पे ये है कि कुछ स्टूडेंट डे वन से जुड़ने के बाद डे टू में जब वो जुड़ते हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, उनको लगता है कि यार ये क्या ही चीजें हम करते जा रहे हैं। यू नीड ए मोटिवेशन इन डेली लाइफ। आपको डेली कुछ ना कुछ एक मोटिवेशन, कुछ ना कुछ एक ऑब्जेक्टिव चाहिए होगा, जिससे कि सो दैट यू कैन कंप्लीट योर गोल, आप अपने गोल्स को क्या कर पाए, कंप्लीट कर पाए। ठीक है, सब समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएगी। फिजिक्स नॉट हार्ड, हमने फिजिक्स को हार्ड बनाया है। फिजिक्स सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, ये हमने हार्ड बनाया है कि भैया फिजिक्स में ये कंसेप्ट लगता है, ये फॉर्मूला लगता है। फिजिक्स जस्ट नीड प्रैक्टिस, आपसे एक ही चीज की डिमांड की जाती है कि सर प्रैक्टिस कीजिए। क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू प्रॉमिस योरसेल्फ, आपको अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या प्रॉमिस करना पड़ेगा फटाफट मुझे बताइए, आपको क्या प्रॉमिस करना है फटाफट बताइए। प्रॉमिस आपको क्या करना है? प्रॉमिस आपको ये करना है कि आप सेशन को रेगुलर देखेंगे, सेशन को रेगुलर देखने के साथ अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, रिवीजन प्रॉपर करेंगे, जैसे कि हम डेली करते हैं। तो फटाफट सभी लोग ये प्रॉमिस कर लीजिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर सेशन। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, आज 2 बजे आपके डीपीपी का सॉल्यूशन होने वाला है, काइनेमेटिक्स का, तो उसे भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, क्लास विल बी इन द मॉर्निंग, क्लास सुबह 9 बजे ही रहेगी। अब बार बार क्लास का टाइम चेंज भी नहीं किया जाता, और मुझे बार बार उन्हें कहना टीम को भी अच्छा नहीं लगता कि भाई क्लास का टाइम चेंज कर दीजिए। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सुबह, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं शाम को, तो ना पढ़ने के एक्सक्यूजेस बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो शाम को भी रिकॉर्डेड वर्जन में पढ़ सकते हैं, है कि नहीं? तो क्लास का टाइमिंग तो हमेशा यही रहेगा कि इस टाइमिंग 9 to 12 या फिर 9 to 11 आपकी क्लास रहा करेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ये जो चैप्टर है इससे कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। जो हम ये वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे हैं ना, इसका इंपॉर्टेंस आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी है। जब आप क्लास 12th में जाएंगे यू विल स्टडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि जब भी हम किसी पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लेके किसी पी पॉइंट तक लेके आते हैं, तो जब हम उसको वहां तक लेके आते हैं तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ता है, दैट विल बी योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब सेम कंसेप्ट जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये जो सभी चीजें होंगी ये आपकी क्लास 12th में भी यूज में आने वाली है। तो जो स्टूडेंट ऐसे बैठे हैं कि भैया इससे 3-4 क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ के काम निपट जाएगा, लेकिन इसका कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे ही सेशन से। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, जो स्टूडेंट काइनेमेटिक्स पढ़ने चाहते हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ना चाहते हैं, मोशन इन ए प्लेन पढ़ना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी नीट के इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कंप्लीट करवा दिया है, मोशन इन ए प्लेन भी कंप्लीट करवा दिया है, स्पेशल क्लास में इलेक्ट्रोस्टेटिक्स भी कंप्लीट करवा दिया है। आई बात समझ में?
स्पेशल क्लास में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी मिलने वाला है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये तो मुझे पता था कि कल बच्चों में जितना जोश होगा आज थोड़ा कम हो जाएगा। डेफिनेटली होता ही है, वी आर ह्यूमन, वी आर ह्यूमन, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, है ना? वी आर ह्यूमन। तो फर्स्ट डे हम कुछ ना कुछ वर्क को बहुत ज्यादा एक्साइटेड से करते हैं, और यही तो आज हमारा चैप्टर है। फर्स्ट डे हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और उस एनर्जी का हम यूज करके वर्क कर देते हैं, और नेक्स्ट डे वर्क करने के लिए हमारे पास एनर्जी ही नहीं बचती है। हम क्या करते हैं, हम हमारी पावर को बहुत ही कम ड्यूरेशन में यूज में ले जाते हैं। एनर्जी को बहुत कम ड्यूरेशन में यूज में ले जाओगे तो पावर विल बी मैक्सिमम। कहने का मतलब यह कि जैसे कल की क्लास आपने दो बार देख ली, तो आपने सेम एनर्जी को जो कि 2 दिन यूज में आने वाली थी आपने एक ही दिन में निपटा दिया, उसे हम कहेंगे पावर। तो इसी से संबंधित आज हमारा चैप्टर है, इसी से रिलेटेड हमारा चैप्टर। तो थोड़ी थोड़ी थ्योरी है, बट ध्यान रखिएगा इन दिस टुडे सेशन हमें आज थोड़े बहुत डेरिवेशन भी करने पड़ेंगे टू गेट द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ताकि हमें कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो भाई लोगों, आर यू रेडी, आर यू रेडी, फटाफट थम्स अप करके बता दो, फिर मैं स्टार्ट करता हूं और देखिएगा कि हम कितना दूर तक लेके जाते हैं कंसेप्ट को, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आज आपको देखने को मिलेंगे। यू विल वंडर, यू विल वंडर, यू विल सी द ब्यूटी ऑफ द वर्क पावर एनर्जी, यू विल सी द ब्यूटी ऑफ द वर्क पावर एनर्जी। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो स्पेशल क्लास में भी मिलना है 2 बजे। तो बात करते हैं वर्क की डेफिनेशन। पेन और पेपर लेके बैठिएगा, जहां पे मैं कहूं कि डेरिवेशन है वहां पर आपको डेरिवेशन स्टार्ट कर देना है। तो बात करते हैं व्हाट इज वर्क, वर्क क्या होता है। देखिए, हम जो हमारी डेली लाइफ में जो वर्क करते हैं और जो फिजिक्स में जो वर्क की डेफिनेशन होती है, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, माइनर सा डिफरेंस होता है। डेली लाइफ में अगर मान लीजिए, अगर मैं कोई स्टूडेंट, मेरा क्लास में कहना नहीं मान रहा है, मैं कहता भैया बाहर धूप में जाके खड़े हो जाओ, खड़े रहो दिन भर, ये आपकी पनिशमेंट है, ये आपकी सजा है, तो स्टूडेंट दिन भर खड़ा रहेगा, उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, थक जाएगा, और घर पे जाके कहेगा कि आज तो मैंने बहुत काम किया। क्या काम किया, खड़े होने का मैंने काम किया। लेकिन फिजिक्स क्या कहती है, फिजिक्स कहती है भैया ओनली खड़ा रहना ही काम नहीं होता है, ओनली खड़ा रहना ही वर्क नहीं होता है, वी नीड सम डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों चाहिए। क्या चाहिए अर्जुन सिंह, ये इतनी बार कमेंट करोगे, मैंने एक बार पढ़ लिया और कल की क्लास में बता दिया था, आई विल टेक द अनदर सेशन। आज अभी वाला पढ़ लो, जो लॉज ऑफ मोशन का रह गया है उसका लॉज ऑफ मोशन पार्ट 2 आने वाला है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? तो उसका शेड्यूल भी अभी मैं आपको बता दूंगा, बट थोड़ा वेट तो करो, अभी तो सेशन शुरू हुआ है। तो नो, व्हाट इज वर्क, तो वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम, और वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस ए डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी, व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस ए डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। जैसे मान लीजिए आपका ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बॉल, इट्स ए कलर, येलो कलर की है, स्माइली बॉल, ठीक है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया और ये पहले रेस्ट में था और इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कर दिया, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कर दिया। फिजिक्स में उसी टाइम हम कहेंगे कि भैया वर्क हुआ है, उसी टाइम कहेंगे कि क्या हुआ है, वर्क हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया और दिन भर वही खड़े रहे, आपने 2 kg का एक वेइंग ऑब्जेक्ट ले लिया और दिन भर वही खड़े रहे कि भैया आपने क्या काम किया, तो फिजिक्स की टर्म्स में तो कुछ ना काम नहीं किया। लेकिन हमारी जो मस्कुलर एनर्जी थी, जो हम खाना खाते हैं, वो जो मस्कुलर एनर्जी थी दैट विल बी डिक्रीजेस, वो थोड़ी डिक्रीज हो गई, बट इन टर्म्स ऑफ द फिजिक्स हमने कोई भी काम नहीं किया, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स हमने कोई भी काम नहीं किया। अब फिजिक्स की डेफिनेशन तो ये आ गई, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, बता सकता है कोई कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क। 10th क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ा है, बताओ फटाफट व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वर्क। What is formula of work? Sir, formula of work is, it simple is given. It is a dot product of force and very small displacement.
वेरी गुड वेरी गुड. इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स. व्हाट इज वर्क? सो वर्क इज बेसिकली इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स और वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है. तो फोर्स मल्टीप्लाई बाई छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, है ना. जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय छोटा सा डिस्प्लेसमेंट प्लस फोर्स छोटा सा डिस्प्लेसमेंट प्लस फोर्स छोटा सा डिस्प्लेसमेंट प्लस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट. सो टोटल वर्क डन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सो टोटल वर्क डन प्राप्त करने के लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. तो वर्क डन इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट. और डॉट प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना आता है. किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं डॉट प्रोडक्ट? इफ देयर इज अ टू वेक्टर, अगर दो वेक्टर है ए डॉट बी, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी क्या होगा सर? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा. तो ए बी कॉस थीटा, ये कॉस थीटा क्या है सर? सो दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो ये तो हो गया हमारा वर्क. ये वर्क क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट. अगर मान लीजिए आपका फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका एस, और अगर मैं यहां लिख दूं कॉस थीटा, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट? वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा. एक सेकेंड, गिव मी 1 मिनट. वर्क डन क्या हो जाएगा? हाँ, वर्क डन हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा. ठीक है, एफ एस कॉस थीटा. अभी एक मैंने वर्ड यूज में लिया कि इफ फोर्स इज कॉन्स्टेंट, इफ फोर्स इज कॉन्स्टेंट देन व्हाट विल हैपन इफ फोर्स इज नॉट कॉन्स्टेंट? क्या होगा कि अगर फोर्स कॉन्स्टेंट ना हो? तो जब फोर्स कॉन्स्टेंट नहीं होगा, वी विल यूज द वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स. हम वो फॉर्मूला यूज लेंगे जिसमें वेरिएबल फोर्स आता हो. क्या आता हो? वेरिएबल फोर्स. चलो 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 चलो, ठीक है. अब पहले तो सर कांस्टेंट फोर्स का एग्जांपल दे दीजिए कि क्या होते हैं कांस्टेंट फोर्सेस के एग्जांपल. इट्स वेरी सिंपल. फोर्स का मैग्नीट्यूड और अगर डायरेक्शन कांस्टेंट हो तो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट फोर्स. फोर्स कैसी क्वांटिटी है सर? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, और भाई मेरे इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होगी. तो अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, फोर्स की डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, इट इज नॉट चेंजिंग. सो वी कैन से दैट ओवरऑल फोर्स विल रिमेन कांस्टेंट. ओवरऑल फोर्स विल रिमेन कांस्टेंट. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? एम जी. इस ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इस ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ, इट विल बी ऑलवेज एम जी, इट विल बी ऑलवेज एम जी. और डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी? नीचे की तरफ. डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी? नीचे की तरफ. तो दिस फोर्स इज ए कॉन्स्टेंट फोर्स. ये है कॉन्स्टेंट फोर्स. अगर मान लीजिए कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है और इस पर मैं हमेशा 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, टुवर्ड्स किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, हमेशा 2 न्यूटन ईस्ट, 2 न्यूटन ईस्ट, 2 न्यूटन ईस्ट, 2 न्यूटन ईस्ट, 2 न्यूटन ईस्ट. डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज नॉट चेंजिंग. तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे भाई? इस फोर्स को हम कहेंगे कौन सा फोर्स? इस फोर्स को हम कहेंगे कांस्टेंट फोर्स. कैसा फोर्स? कांस्टेंट फोर्स. से फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे पुल कर रहा हूं इन ईस्ट डायरेक्शन. सो एंगल इज नॉट चेंजिंग. देखो एंगल चेंज हो रहा है क्या? एंगल इज नॉट चेंजिंग. व्हाट इज एंगल? दिस इज द एंगल, एंगल बिटवीन दिस स्ट्रिंग, दिस वायर एंड दिस हॉरिजेंटल. वायर और हॉरिजेंटल के बीच का एंगल देखो चेंज नहीं हो रहा.
इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फोर्स कहेंगे। इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फोर्स कहेंगे। और हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है ना, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्सेस पर ही रहने वाला है। किस पे रहने वाला है, कांस्टेंट फोर्सेस पे। क्या ये बात सबको समझ में आई, सबको समझ में आई व्हाट इज कांस्टेंट फोर्स? क्योंकि अगर आपको कांस्टेंट फोर्स समझ आएगा तभी आपको वेरिएबल फोर्स समझ आएगा। अगर आपको कांस्टेंट फोर्स समझ आएगा तभी आपको वेरिएबल फोर्स समझ में आएगा। बात समझ में आई ना, पक्का? चलिए बढ़ते हैं आगे। सर हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स? अब थोड़ा सा बेटा थ्योरी पोर्शन शुरू होगा, थोड़ा सा ये आपको थोड़ा डील करना पड़ेगा, है ना, ये आपको थोड़ा डील करना पड़ेगा। मान लीजिए ये है मेरी इनिशियल पोजिशन, दिस इज माई इनिशियल पोजिशन एंड दिस इज माई फाइनल पोजिशन, ठीक है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है इसे हम क्या कहते हैं सर, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझ आई बात, इसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए फोर्स लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में एंड दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। समझ आया, डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन में हुआ, फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में है, दिस एंगल इज थीटा, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। नाउ अब हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है। सर वर्क डन इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएस, एफ डॉट डी एस। और अगर आपका फोर्स कॉन्स्टेंट है तो, अगर हमारा फोर्स कॉन्स्टेंट है तो फोर्स आ जाएगा बाहर, तो फोर्स को मैंने ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। सब मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट। सर छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट and this w will be equal to f dot s cos theta, f dot s cos theta. This formula is valid only when force is constant. जैसे सर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कुछ फोर्स लगा के खींच रहे हो उस फोर्स के बारे में। अब मैं अगर गौर करूं, चाहे मैं यहां से यहां जाऊं इस व्हाइट कलर के रास्ते से होते हुए, चाहे मैं रेड कलर के रास्ते से होते हुए जाऊं, क्या डिस्प्लेसमेंट बदलेगा बेटा? कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या अगर हम अलग अलग रास्ते से होते हुए जाएं बट हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो, अगर हम अलग अलग रास्ते से होते हुए जाएं बट हमारा इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम है। से फॉर एग्जाम्पल, आप घर से स्कूल जाते हो, आप घर से स्कूल जाते हो, तो जब आप घर से स्कूल जाते हो तो घर से स्कूल का मिनिमम डिस्टेंस इज कांस्टेंट। बट कभी कभी आप अपने बेस्ट फ्रेंड के घर से होते हुए जाते हो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके, कभी कभी आप अपने किसी दूसरे फ्रेंड के घर से होते हुए जाते हो, कभी कभी आप किसी शॉप से होते हुए जाते हो, कभी कभी आप पार्क से होते हुए जाते हो, दूसरे अलग अलग रास्ते से होते हुए जाते हो। लेकिन अगर हमारा इनिशियल और फाइनल पोजिशन सेम है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो चाहे मैं किसी भी रास्ते से होते हुए जाऊं मेरा डिस्प्लेसमेंट हमेशा यही रहेगा। और अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट हमेशा यही रहेगा तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है ना ही इस रास्ते पर डिपेंड करता है, ना ही इस रास्ते पर डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट मेरा इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड करता है और फोर्स इज कॉन्स्टेंट। अगर मेरा इनिशियल और फाइनल पोजिशन कॉन्स्टेंट है, फोर्स कॉन्स्टेंट है, तो चाहे मैं इस रास्ते से होते हुए जाऊं, चाहे मैं इस रास्ते से होते हुए जाऊं, चाहे शॉर्टकट से जाऊं, चाहे लंबे रास्ते से होते हुए जाऊं, मेरा वर्क डन हमेशा सेम आएगा। और अगर मेरा वर्क डन हमेशा सेम आएगा, भाई मेरे वर्क डन मेरा हमेशा सेम आएगा, तो वर्क डन बाय कॉन्स्टेंट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वर्क डन बाय कॉन्स्टेंट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो यहां पे मेरे भाई आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वर्क डन लिखेंगे सभी, वर्क डन बाय
कांस्टेंट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगा, और अगर वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगा तो आप चाहे किसी भी रास्ते से होते हुए जाओ, वर्क डन विल रिमेन सेम। वर्क डन हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? हाँ, क्या ये बात सबको समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। अब मैं यहां पर दो केसेस ले रहा हूं। पहला जो केस है ना, ध्यान से देखिएगा, ये वाला है, ये वाला। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं एच हाइट ऊपर लेके जाता हूं, इस ऑब्जेक्ट को मैं एच हाइट ऊपर लेके जाता हूं। तो जब इस ऑब्जेक्ट को मैं एच हाइट ऊपर लेके जाऊंगा, व्हाट विल हैपन? इस ऑब्जेक्ट को जब मैं एच हाइट ऊपर लेकर जाऊंगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा एच। और इस पे फोर्स कहां लग रहा है सर? इस पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, इस पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मुझे बताइए दोनों के बीच में एंगल कितना है? ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये वर्क का फॉर्मूला ही कर रहा है सर। एंगल है पाई, यानी 180 डिग्री। तो जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, व्हाट विल बी वर्क डन? जब मैं ए से बी जाऊंगा, वर्क डन विल बी सर एफ डॉट एस कॉस थीटा, एफ डॉट एस कॉस थीटा, ये होगा वर्क डन। जब मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो थीटा यहां पे कितना है सर? थीटा है यहां पे 180 डिग्री। और एफ कितना है सर? एफ है हमारा एम जी। और एस कितना है सर? एस है हमारा एच। तो वर्क डन जब आप ए से बी जाओगे तो क्या ये माइनस का एम जी एच नहीं आ जाएगा? क्या ये माइनस का एम जी एच नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। एक्सीलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। नाउ अगर मैं बी से ए आऊं तो नीचे की ही डायरेक्शन में फोर्स है एम जी, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में इस टाइम में एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो जाएगा जी? अभी ये क्यों समझा रहा हूं मैं? ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले समय में ये मैं नहीं समझाऊंगा, मैं डायरेक्टली कहूंगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आप लोगे सर 180 डिग्री, एक दूसरे के अपोजिट है। 0 डिग्री सर, एक दूसरे की डायरेक्शन में है। तो उस केस में क्या होगा? तो यहां पे अगर हम बात करेंगे, वर्क डन जब आप बी से ए आओगे सर, इट विल बी एम जी एच। एक वर्क डन पॉजिटिव है, एक डन वर्क डन नेगेटिव है। एक पॉजिटिव वर्क डन है, एक नेगेटिव वर्क डन है। व्हाट दे आर रिप्रेजेंटिंग? व्हाट दे आर रिप्रेजेंटिंग सर? दे आर रिप्रेजेंटिंग कि एक वर्क डन फोर्स के डायरेक्शन में है और एक वर्क डन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ऊपर खींचता हूं ऐसे विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऐसे, तो मुझे इस पर ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा जितना नीचे की तरफ लग रहा है ना? इसको ऐसे मैं उठा के ऊपर ले जाता हूं तो इस केस में वर्क डन नेगेटिव, और अब जब ये खुद फ्रीली नीचे आएगा उस केस में वर्क डन पॉजिटिव। एक केस में वर्क डन नेगेटिव और एक केस में वर्क डन आपका पॉजिटिव। चलिए चलिए, दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स में जो फोर्स होता है ड्यू टू ग्रेविटी वो होता है हमारा एम जी, और जो हमारा एच होता है इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। पॉजिटिव कब होता है? जब हम आते हैं डाउनवर्ड, ठीक है, और नेगेटिव कब होगा? जब हम जाएंगे अपवर्ड। चलिए अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपको बताना है वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स। अगर आपने ये कंसेप्ट पढ़ा है ना अभी थोड़ी देर पहले, एफ डॉट एस कोस थीटा, आप इसको इजीली कर पाओगे, पता भी नहीं चलेगा आपको।
पता भी नहीं चलेगा। एफ डॉट एस कॉस थीटा, एफ डॉट एस कॉस थीटा, बताओ। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, सिंपल प्रैक्टिस क्वेश्चन। कोई एक इंक्लाइंट प्लेन है और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और नीचे खिसक गया। ये हमने नहीं खिसकाया, ये मान लो सरफेस स्मूथ है, नीचे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? कोई बता सकता है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। सो ये है हमारी इनिशियल पोजीशन और ये है हमारी फाइनल पोजीशन, इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? सर मिनिमम डिस्टेंस इज एस, मिनिमम डिस्टेंस इज एस। तो क्वेश्चन को सॉल्व करें, एफ डॉट एस कॉस थीटा, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा, है ना? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो एफ डॉट एस कॉस थीटा लगा सकते हैं। फोर्स कितना है सर? फोर्स है हमारा एम जी, फोर्स है हमारा एम जी, डिस्प्लेसमेंट है एस। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, कोई बात नहीं, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो उसको मैं लिख लेता हूं 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा, सर कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो एम जी डॉट एस साइन थीटा। तो क्या ये एम जी एच नहीं आ गया? क्या ये एम जी एच नहीं आ गया? ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। क्यों सर? क्योंकि यहां पे फोर्स क्या है? कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो आप चाहे किसी भी रास्ते से होते हुए जाओ, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी विल बी एम जी एच, एम जी और डॉट कर देंगे एच, तो यू विल गेट द वर्क डन बाय द ग्रेविटी एक्चुअली। तो फोर्स अगर आपका कांस्टेंट है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी ऑलवेज एम जी एच, चाहे आप ऊपर जाओ चाहे आप नीचे जाओ। व्हाट इज एच? एच इज द डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। चलो इसका बताओ, इसमें भी वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? ऊपर नीचे रास्ते से होते हुए जा रहे हो, ऊपर नीचे रास्ते से होते हुए जा रहे हो, बताइए। समझ आया सर? इसमें भी सेम कंसेप्ट लगाएंगे, इसमें भी हम सेम कंसेप्ट ही तो लगाएंगे। इसमें भी वर्क डन क्या हो जाएगा? एम जी और वर्टिकल हाइट, नीचे आ रहे हैं। अब याद करना शुरू कर लो, याद करना शुरू कर लो। अब हमें याद करनी है चीजें, आई बात समझ में? अब हमें याद करनी है चीजें, नीचे आ रहे हैं तो एम जी एच, ऊपर जा रहे हैं तो माइनस का एम जी एच। तो नीचे आ रहे हैं तो वर्क डन विल बी अगेन एम जी एच, एम जी एच घुसा दिमाग में। चलिए यहां पे वर्क डन बताइए, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बताओ आगे फटाफट, अब हम दूसरे वर्क डन पे आने वाले हैं। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पे भी आएगा सर, एम जी एच क्या आएगा? एम जी एच, लेकिन एच क्या होगा यहाँ पे? एच क्या होगा यहाँ पे सर? एच होगा द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, लेकिन एच यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस है। तो एम जी हम कहां से आ रहे हैं? ऊपर से नीचे, तो एच वन माइनस एच टू, सबका आया, सबका आया, फटाफट थम्स अप करके बताओ। इजी इजी पीजी, एकदम वर्क पावर एनर्जी, एकदम आपको ऐसा लगेगा चुटकियों का खेल। किसका खेल है? चुटकियों का। यूं यूं कर लोगे आप क्वेश्चन, लेकिन यू रिक्वायर्ड पेशेंस, पेशेंस और कंसिस्टेंसी से आप चीजें समझ सकते हो। ओके चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। नाउ वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, टेंशन कौन सी टेंशन? जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, इधर से मैं पुल कर रहा हूं, इधर से मैं पुल कर रहा हूं, तो इसके अंदर जो फोर्स प्रोड्यूस होगा इट विल बी टेंशन, उसे हम क्या कहेंगे? टेंशन कहेंगे। क्या कहेंगे? टेंशन। अब इस टेंशन के कारण हमें वर्क डन निकालना है। सर टेंशन तो दो जगह लग रही है, तभी तो ये केस खास है, तभी तो ये केस क्या है? खास है। टेंशन ए पर भी लग रही है, टेंशन बी पर भी लग रही है, टेंशन ए पर भी लग रही है, टेंशन बी पर भी लग रही है। जब आपका ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर है,
यहां पे इनिशियल पोजीशन पे, तो बी आपका यहां पर है कि नहीं? बी आपका यहां पर है, और जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट इधर खिसकता है एक्स डिस्टेंस, तो वैसे ही बी खिसकेगा नीचे एक्स डिस्टेंस। ऑल ऑफ यू आर एग्री? ऑल ऑफ यू आर एग्री? दुनिया में बहुत आग लगी हुई है मुझे लग रहा है मेरे सेशन से, तो बहुत अच्छी बात है। इसका तो मैं एक पॉजिटिव फीडबैक लेता हूं, ऐसी हाइजेनिक स्पैमिंग तो बिल्कुल होनी चाहिए। चलिए तो ये इनिशियल पोजीशन है ए का, एक्स डिस्टेंस अगर ये इधर खिसकता है तो डेफिनेटली सर इट्स वेरी सिंपल, अगर आपका ये वाला ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस आगे खिसक जाता है, आगे खिसक जाता है एक्स डिस्टेंस, तो जो नीचे होगा वो भी एक्स डिस्टेंस नीचे चला जाएगा, मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम। ओ हो, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम, बट एक यहां पे जादू है, यहां पे जादू है। क्या जादू है गुरुजी? गुरुजी जादू है कि अगर हम बात करते हैं वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए, ये क्या होगा? टेंशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिएगा यहां पे टेंशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या इसको मैं प्लस टी एक्स लिख दूं? ओ हो, लिख दो साहब। बी पर देखिए वर्क डन ऑन बी, सर टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ग्रेविटी की बात नहीं करेंगे। अब ऐसे मत मांगना सर यार ग्रेविटी भी तो आ रहा है, अरे आएगा ग्रेविटी भी आएगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं किस पे फोकस करना चाहता हूं। वेर इज माई फोकस? माई फोकस इज ओनली ऑन टेंशन, सिर्फ टेंशन को मुझे देखना है। दुनिया में यही तो है, चीजें सब है पर आपको सिर्फ एक तरफ देखना है, आपकी नजरें एक ही चीज पे होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? पक्का? तो अगर हम देखते हैं बी में, वॉइस तो मैं चुप हो गया इसलिए नहीं आ रही। अगर मैं देखता हूं बी में, तो बी में टेंशन फोर्स ऊपर है, ये भैया न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़े, शिकायत नहीं आनी चाहिए। कल ही पढ़ा है कि टेंशन की डायरेक्शन कहाँ होती है, कल ही इसके फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाए हैं। तो इसमें टेंशन ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, तो क्या ये मैं माइनस लिख दूं? क्या मैं माइनस लिख दूं? तो वर्क डन बाय टोटल इंटरनल टेंशन, इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं, तो क्या वर्क डन बाय टोटल इंटरनल टेंशन जीरो आ गया? ये तो होना ही था, ये तो होना ही था भाई मेरे, ये तो होना ही था। समझ में आई? समझ में आया? प्लीज से ये सुनो, तो याद कर लो, क्या याद करना है? ये चीज आपको याद करनी है कि टोटल वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन ऑन द सिस्टम विल बी जीरो, ऑलवेज जीरो, क्योंकि अगर एक का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट और दूसरे का नेगेटिव एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। हमारे साथ पता है क्या हो रहा है, आप लोगों की हिम्मत कभी कभी घट जाती है फिजिक्स देख के, है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख के, बायो का इतना बड़ा सिलेबस देख के, तो कोई दिक्कत नहीं, मुश्किलें आए तो हमें हमारी हिम्मत को बढ़ाना है। तो सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ, ध्यान रखिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपने प्रैक्टिकली फील भी किया होगा कि अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। समझ में आया? तो भैया बिकना नहीं अपने को। चलिए नाउ वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, अब थोड़ा यहां ध्यान देखना, अब मैं जो नॉर्मल की बात कर रहा हूं वो एक्सटर्नल नॉर्मल है, एक्सटर्नल सिर्फ ए की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? ए की, लिफ्ट की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूं? ए की, लिफ्ट की बात नहीं कर रहा। अगर आपका ऑब्जेक्ट लिफ्ट में ऊपर जाता है तो ऊपर वो क्यों जा रहा है?
अगर आपका ऑब्जेक्ट लिफ्ट में ऊपर जाता है तो क्यों जा रहा है? क्योंकि सर ये जो सरफेस है ना, ये वाली सरफेस, ये हमारे इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगा रही है, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगा रही है, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स, ये भी नीचे नॉर्मल लगा रहा है, पर मैं उसको नहीं देख रहा। इस पर कौन लगा रहा है वो देख रहा हूं सिर्फ मैं। इस पर लगा रहा है नीचे वाला सरफेस ऊपर की तरफ, ऊपर ही नॉर्मल, ऊपर ही डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। आया बात समझ में? ऊपर ही नॉर्मल, ऊपर ही डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। लेकिन लेकिन अगर लिफ्ट नीचे भी आएगी ना, लिफ्ट नीचे भी आएगी तो भी ये सरफेस, इस पर नॉर्मल कहां लगाएगी? नॉर्मल नीचे थोड़ी लगाएगी, नॉर्मल तो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। सो नॉर्मल विल बी ऑलवेज इन द ऊपर की तरफ। लेकिन जब ये नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव, तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। लेकिन अगर अगर मैं टोटल नॉर्मल की बात करूं, किसकी बात करूं? टोटल नॉर्मल की। इसको एक मैं अलग एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ठीक है? इसको एक अलग एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मल में कैसे डील करें अपने, उससे आपको बेहतरीन समझ में आएगा, डोंट वरी। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, कल वाली क्लास का रोल अब आने वाला है भैया। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक क्लास का रोल दूसरे क्लास में होता है, और अगर मैं यहां पे फोर्स लगाता हूं एफ, मुझे केवल कौन सा फोर्स देखना है? नॉर्मल फोर्स। अगर मैं यहां पे फोर्स लगाता हूं एफ, अगर मैं फोर्स लगाता हूं एफ, तो दो नंबर लगाएगा वन पे और वन नंबर लगाएगा दो पे, नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल ऑन वन बाय टू, दिस इज नॉर्मल ऑन टू बाय वन, नॉर्मल ऑन टू बाय वन। समझ में आया? वन लगाएगा टू पे, टू लगाएगा वन पे, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन लगाएंगे। तो अब मैं वन टू ना लिखूं, क्योंकि ये तो कल का खेल है। अब मैं सिर्फ लिख देता हूं नॉर्मल। ये नॉर्मल कौन लगा रहा है? टू लगा रहा है वन पे, और ये नॉर्मल कौन लगा रहा है? वन लगा रहा है टू पे। मान लीजिए इनका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आगे खिसक गए, ये आगे खिसक गए, यहां पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए। तो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, नॉर्मल का कोई भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लो, मैंने ये वाला इनका कॉन्टेक्ट वाला पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स। किस डायरेक्शन में हुआ है सर? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हुआ है। किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अब अगर मैं बात करूं यहां पे कि वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन वन, तो वन पे नॉर्मल किस डायरेक्शन में? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट कहां है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो क्या मैं इसको माइनस का डब्ल्यू एक्स लिख दूं? और अगर मैं देखूं वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन टू, नॉर्मल तो भैया इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो आएगा ही, जितना वन पे लगेगा उतना टू पे लगेगा। तो अगर मैं देखूं वन पे तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, माइनस का डब्ल्यू एक्स। अगर मैं देखूं टू पे डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल दोनों आगे हैं, तो ये प्लस का एन एक्स, ये प्लस का एन एक्स। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल विल बी इक्वल टू जीरो। आहा, मजा आ गया। यही तो हमें याद रखना है, यही तो हमें याद रखना है कि टोटल वर्क डन बाय इंटरनल नॉर्मल, नॉट एक्सटर्नल। ये जब ऊपर जा रहा था तो मैं केवल एक नॉर्मल कंसीडर कर रहा था, नीचे वाला नॉर्मल कंसीडर नहीं कर रहा था। तो टोटल वर्क डन बाय इंटरनल नॉर्मल विल बी इक्वल टू जीरो। एक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, एक आपने वर्चुअल वर्क नाम सुना है क्या? वर्चुअल वर्क कुछ सुना होगा, हल्का फुल्का वर्चुअल वर्क, फटाफट बताओ।
यही है वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क मतलब जो वर्क हुआ ही नहीं, लेकिन अलग अलग करके देखेंगे तो हुआ, अलग अलग करके देखेंगे तो हुआ। वर्चुअल मतलब एक्चुअल में कहाँ हुआ, यहाँ पे वर्क जीरो ही तो हुआ नॉर्मल के द्वारा। लेकिन अगर एक नॉर्मल को देखूं तो माइनस एन एक्स, एक नॉर्मल को देखूं तो प्लस का एन एक्स, तो यही तो है वर्चुअल वर्क, है ना, यही तो है अपना वर्चुअल वर्क। क्या ये बात समझ में आई? बोलो भैया, बोलो जी। नाउ अब ये क्या पढ़ा रहे हो सर आप? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, उसके बाद वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आगे आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम, और उस वर्क एनर्जी थ्योरम में ना आपको सब पता होना चाहिए, आपको सब पता होना चाहिए कि कौन सा है वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय एयर, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन। ये सारी चीजें आपको वहां पता होनी चाहिए। तो सभी टाइप का वर्क डन प्लस कर लो इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जैसा भी वर्क डन आपको देखने को मिला, जैसा भी आपको वर्क डन देखने को मिले, तो सारे वर्क डन को प्लस कर दो, इट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है सर? कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता। अगर मान लीजिए ये वाली सरफेस स्मूथ है और ये वाली सरफेस रफ है, तो मेरा फोकस अभी किस पर होगा? केवल स्टैटिक फ्रिक्शन पे। किस पे? केवल और केवल स्टैटिक, एफ पर नहीं होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन पे होगा। अगर ध्यान से सुना, अब पेन पेपर ले लो, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं तो डेफिनेटली ए विल स्लाइड ऑन दिस, ए विल स्लाइड ऑन दिस। अब बी और ए के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो बी और ए के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, बी और ए के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ये कुछ इस तरीके का केस है। ऐसा देखा, दिस इज द सरफेस ब्लॉक ए ब्लॉक बी। अब मैं इसको खींचता हूं, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हुआ? नहीं हुआ। सी, नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसको तेज खींचू, ये यहां पे ना, अगर मैं इसको तेज खींचू तो ऊपर वाला हो सकता है पीछे फिसल जाए। आई बात समझ में? ज्यादा तेज खींचोगे तो फिसलेगा, ध्यान से। ये देखो यहां रखता हूं मैं, यहां देख लो एक बार, यहां रखा है मैंने इसको। अब मैं इसको तेज खींचता हूं तो देखो थोड़ा सा पीछे किसका, ये वाला डिस्टेंस किसका ना, यहां पे ले लो और इसको खींचो। पीछे हो गया ना, पहले यहां था, इसको अगर मैं तेजी से खींचूंगा फिर पीछे हो जाएगा, तो वो वाला केस नहीं करना है। ये इस पर आराम से, इसको मैं खींच रहा हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये तो स्मूथ है और स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर नीचे वाले को मैं आगे खींच रहा हूं तो नीचे वाला ऊपर वाले को क्या कर रहा है? ध्यान से, अगर नीचे वाले को मैं आगे खींच रहा हूं तो नीचे वाला ऊपर पर कहां फोर्स लगाएगा कि ये आगे क्यों खींच रहा है भाई? खींच तो मैं नीचे वाले को रहा हूं, ये आगे इसलिए खींच रहा है क्योंकि नीचे वाला ना ऊपर वाले पर आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और जो नीचे वाला ऊपर की तरफ आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, नीचे वाला ऊपर इस ब्लॉक पे जो आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, उसी की वजह से वो आगे खिसक रहा है, उसी की वजह से वो आगे खिसक रहा है। तो नीचे वाला ऊपर वाले पर आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसीलिए वो इसके साथ चिपक के आगे जा रहा है। अब वो ऊपर वाला तो बैठा नहीं देगा, वो कहेगा कि अगर मेरे पर आगे की तरफ फोर्स लगा है तो मैं तो आगे फिसल जाऊंगा, अगर मेरे पे आगे की तरफ फोर्स लगा आई विल स्लाइड डाउन आगे, तो मैं क्या करता हूं, नीचे वाले पे पीछे की तरफ फोर्स लगा देता हूं। तो नीचे वाला ऊपर पे आगे फोर्स लगाएगा, ऊपर वाला नीचे पे पीछे फोर्स लगाएगा। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है, दोनों फोर्सेस इक्वल है, और अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, पहले भी ये यहां था
अभी भी यहां है। तो जितना डिस्प्लेसमेंट नीचे वाले ब्लॉक का हुआ है उतना ही डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाले ब्लॉक का हो जाएगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए विल बी इक्वल टू, ऊपर वाले पर फोर्स कहां लग रहा है सर? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी आगे। और वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बी विल बी सर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट आगे है बट फोर्स पीछे है, डिस्प्लेसमेंट आगे बट फोर्स पीछे है। तो इनका टोटल क्या हो गया? जीरो। सर सबका टोटल जीरो आ रहा है तो पढ़ा क्यों रहे हो? पता होना चाहिए, सबका टोटल जीरो आ गया तो पता होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, बढ़िया। तो टोटल वर्क डन बाय इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए सिस्टम इज ऑलवेज जीरो, ऑन ए सिस्टम विल बी ऑलवेज जीरो। अब हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर एक दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने रख रखा है, ठीक है? तो ये है ए, ये है बी, ये है ए और ये है बी। अब मैं क्या करता हूं, बी के ऊपर फोर्स लगाता हूं, और जब मैं बी के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ए और बी के बीच में होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मान लीजिए जो बी है वो खिसका है आगे, बी खिसक गया है आगे, और ड्यू टू स्लाइडिंग ए थोड़ा सा पीछे रह गया, ए थोड़ा पीछे खिसक गया। ए आगे तो बड़ा है, ए आगे तो बड़ा है बट थोड़ा पीछे खिसक गया बिकॉज ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन, रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। अब देखो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, बी ए पर कहां फोर्स लगाएगा? सर बी ए पर लगाएगा आगे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन, बी ए पर लगाएगा आगे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और ए बी पर कहां लगाएगा? सर ए बी पर लगाएगा पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ए बी पर लगाएगा पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन। फोर्स की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। सो दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बी, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बी। और ये क्या है? दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अब कोई एक रेफरेंस ले लीजिए, कोई भी एक रेफरेंस जो आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, कोई भी, जो भी आपका दिल करे, जो भी आपका दिल करे। मान लीजिए मैं रेफरेंस लेता हूं इसके पीछे वाले पार्ट को, तो बी का यहां भी पीछे वाला पार्ट कंसिडर करना पड़ेगा। तो क्या यहां से कोई बी का डिस्प्लेसमेंट बता सकता है कि कितना हुआ है? मान लीजिए सर बी का डिस्प्लेसमेंट है S1, S2 ले लो, बी का डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए S2 है। ए का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, सर ए का रेफरेंस ले लेते हैं ये आगे वाला, तो ए का भी पीछे वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और ये एक सेकेंड, ये पीछे नहीं खिसकना चाहिए था अपनों ने, यहां थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा मुझे, ये पीछे नहीं खिसकना चाहिए था। ए पर फोर्स आगे लग रहा है तो आगे खिसकेगा ना, तो ए यहां पे है और ये आगे खिसकेगा ऐसे, ए पीछे कैसे खिसक जाएगा? दिमाग नहीं लगाया आपने? ए पर फोर्स लग रहा है आगे तो ए आगे खिसकेगा, ए आगे खिसकेगा। इसको और पीछे ले जाऊं रेफरेंस के लिए, है ना? मान लो दोनों स्टार्टिंग में यहां थे, तो ए पे फोर्स लग रहा है आगे, ए पे फोर्स लग रहा है आगे तो ए आगे खिसक जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन ए पर आगे है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन ए पर आगे है तो ए खिसकेगा आगे ऐसे। समझ आ रहा है क्या?
बोलो हाँ ना। अरे ए पर फोर्स कहाँ लग रहा है? काइनेटिक फोर्स। ए पर काइनेटिक फोर्स आगे लग रहा है, तो ए का रिलेटिव मोशन कहाँ होगा? आगे की तरफ, आगे की तरफ। तो ए के भी सेम रेफरेंस से अगर हम बात करें तो ए का डिस्प्लेसमेंट हुआ है इतना, ए का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ है और बी का डिस्प्लेसमेंट कम हुआ है। यह है मान लीजिए एस टू, यह है मान लीजिए एस टू। इसमें कोई दिक्कत किसी को? बोलो भैया, समझ आ रहा है क्या क्या कह रहा हूं मैं? एग्जाम्पल समझ में आ रहा है क्या? रिलेटिव मोशन समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है आधों को नहीं आ रहा है। देखो ए और ये ऐसे बी थे, ये ए आगे खिसका, ए आगे खिसका, तो ए का डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए हो गया डी। ये बी भी क्या करेगा? इस पे स्लाइड कर जाएगा। ये बी भी इस पे क्या करेगा? स्लाइड कर जाएगा। मेरे हिसाब से समझ नहीं आया आप लोगों, समझ नहीं आया, नहीं आया क्या? बोलो। बोलो नहीं आया, आधों को नहीं आया, आधों को आया ही नहीं। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, समझ नहीं रहे हो। एग्जाम्पल तो चलो यही ले लेते हैं, पर इसमें इनको उड़ाता हूं मैं। चलो ध्यान से, कोई बात नहीं, अभी समझ में आएगा, टेंशन मत लो, हमें टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। एग्जाम्पल चेंज कर लो, एग्जाम्पल चेंज कर लो ना। क्या चेंज कर लो? एग्जाम्पल चेंज कर लो। कैसे? मान लीजिए मैं बी पे फोर्स नहीं लगा रहा, मैं बी पर फोर्स नहीं लगा रहा, ठीक है मत लगाओ सर। अब ध्यान से, अब मैं फिर रिपीट नहीं करूंगा। मान लीजिए मैं ए पे फोर्स लगाता हूं, ए पे, तो जब मैं ए को आगे खींचूंगा, ए को आगे खींचूंगा, ए बी पर कहां फोर्स लगाएगा? फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहा हूं केवल मैं। अगर मैं ए को आगे खींचता हूं, आगे आगे की तरफ, तो ए बी पर कहां फोर्स लगाएगा? ए को मैं आगे खींचता हूं, ऊपर वाले को मैं आगे खींचता हूं, बात समझ में? ऊपर वाले को आगे खींचता हूं तो नीचे वाला भी तो आगे खींच रहा है ना, तो नीचे वाला आगे क्यों खिसक रहा है? ऐसे पार नहीं पड़ेगी भैया, पीछे क्यों लगाएगा? अगर मैं ये ऊपर वाला ए है, इसको से दबा के आगे खींचता हूं, तो बी आगे कैसे बढ़ रहा है? नीचे वाली सरफेस तो स्मूथ है, नीचे वाली सरफेस तो स्मूथ है, तो ए बी पर काइनेटिक फ्रिक्शन कहां लगाएगा? तो ए बी पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा आगे की तरफ, इसमें लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ। अब समझ में आया? मुझे सिर्फ फ्रिक्शन देखना है। क्या देखना है? फ्रिक्शन। तो बी आगे बढ़ेगा और ए पर काइनेटिक फ्रिक्शन कहां लगेगा? सर ए पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, ए पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। इफ यू आर अप्लाइंग ए फोर्स एफ ऑन ए, नीचे वाली सरफेस स्मूथ है, नीचे वाली सरफेस स्मूथ है, अब होगा क्या? अब होगा क्या? अब ध्यान से सुनना, देखना ध्यान से। मान लीजिए ए ने बी पर फोर्स लगाना चाहा, ऐसे रिलेटिव मोशन समझने की कोशिश करो। ए बी पर फोर्स लगा रहा है यहां पे, ऐसे मिरर इमेज है ना, वैसे ऐसे समझा देता हूं चलो। तो ए इधर बढ़ रहा है, ए बी पर फोर्स लगा के आगे बढ़ना चाहता है, बी नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, काइनेटिक फ्रिक्शन, ऐसे।
आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो बी पीछे रह गया, ए आगे बढ़ गया। बी पीछे रह गया और ए आगे बढ़ गया। बी पीछे रह गया, बी पीछे रह गया और जो ए है जो ए है वो यहां पे था, वो आगे बढ़ गया। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बी पीछे रह गया, ए इतना फोर्स लगा ही नहीं पाया कि बी को खिसका दे, तो ए इसके ऊपर खिसक के आगे चला गया ऐसे। नाउ अब डिस्प्लेसमेंट, अब कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट ले लो, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट, कोई भी। ये मान लो मैं बी के लिए पीछे वाला लेता हूं, तो यहां भी मुझे पीछे वाला ही कंसिडर करना पड़ेगा। बी के लिए अगर पीछे वाला रेफरेंस ले रहे हो तो बी के लिए पीछे वाला, ए के लिए भी मान लो पीछे वाला ले लिया, तो यहां भी मुझे पीछे वाला ही देखना पड़ेगा। तो मुझे बताओ ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ, ए का हुआ कि बी का हुआ? मान लीजिए ये है S1, ये है S2। तो हमने यहां देखा कि S1 इज ग्रेटर देन S2, S1 इज ग्रेटर देन S2। समझ में आया? ठीक है, तो A का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ, B का डिस्प्लेसमेंट कम हुआ। अब काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन मेरे को देखना है, तो वर्क डन ऑन A ड्यू टू द काइनेटिक फ्रिक्शन। सर जी, A पर फोर्स लग रहा है पीछे और डिस्प्लेसमेंट है आगे, तो माइनस का काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू S1। B पर अगर मैं देखूं सर, B पर फ्रिक्शन लग रहा है आगे और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है आगे, तो प्लस का काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू S2। तो अगर अगर मैं टोटल वर्क डन देखूं, इट विल बी माइनस ऑफ ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के S1 प्लस एफ के S2। तो डब्ल्यू के को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ के इन ब्रैकेट माइनस S1 प्लस S2, और इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, डब्ल्यू के विल बी एफ के इन ब्रैकेट S1 माइनस S2। और जब मैं ऐसा लिखूंगा तो क्या मुझे यहां पे एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? क्या मुझे एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? तो बिल्कुल, मुझे यहां पे एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। नेगेटिव साइन, व्हाट डज इट मीन बाय नेगेटिव साइन? इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? इस नेगेटिव साइन का मतलब है एक नई चीज का जन्म हुआ है, दैट इज वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन व्हिच इज ऑलवेज नेगेटिव, विच इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या ये बात सबको समझ में आई? अभी हमने पढ़ा वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन जीरो, वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो, वर्क डन बाय ग्रेविटी MgH, वर्क डन बाय ग्रेविटी MgH। अब हमने पढ़ा वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन, तो इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। अगर आपने इतना डेरिवेशन किया है तो पेपर में डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन इस डेरिवेशन की हेल्प से जो चीज आपने याद की है, आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर पाओगे। सॉल्व करके बताइए कि एक ऑब्जेक्ट हमने ऊपर रख रखा है एकदम टॉप पे, एंड ड्यू टू फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी ये नीचे आ रहा है। आई बात समझ में? अब मुझे बताओ भैया कि जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहां लग रहा है? ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन कहां लग रहा है? ब्लॉक नीचे आ रहा है, ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो ब्लॉक पर फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ब्लॉक पर फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ। ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, अभी मैं सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स देखूंगा, अब मैं ग्रेविटी नहीं देखूंगा ना नॉर्मल देखूंगा, एक टाइम पर एक को ही देखूंगा, एक टाइम पर एक को ही मैं देखूंगा। क्या है बात समझ में? एक टाइम पर मैं एक को ही देखूंगा, बाकी किसी को नहीं देखूंगा।
चलो इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स टेक ऑन द अनदर पेज। एक टाइम पर एक को ही देखो, देखो अब फटाफट रिजोल्व करो फोर्सेस को। सर इस पे नीचे की तरफ लग रहा है एम जी, और ये हो जाएगा एम जी, और यहां भी एम जी, दो बेटे आ जाएंगे एम जी के। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? सर दिस एंगल इज थीटा, तो ये है एम जी, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा यहां, एम जी साइन थीटा यहां पे, ठीक है। और एम जी साइन थीटा के कारण ये नीचे आ रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? सर फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्या ये बात सबको समझ में आई? फ्रिक्शन फोर्स एफ के लिख लो चाहे एफ एफ लिख लो, एक ही बात है। नाउ अब सॉल्व करें, सॉल्व करें तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में एंगल कितना है? सर 180 डिग्री है, तो क्या मैं डायरेक्टली नेगेटिव साइन यहां पे यूज में ले लो? डायरेक्टली नेगेटिव साइन यहां पे यूज में ले लो, प्लीज से यस और नो, प्लीज से यस और नो। नाउ व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, इज इट सिंपल? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी? सर इस पे लग रही है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, तो क्या नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड एम जी कोस थीटा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो सॉल्व करो, इट विल बी फ्रिक्शन फोर्स माइनस का म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, एम जी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय द एस, एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? एल, तो माइनस का म्यू एम जी एल, इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? माइनस का म्यू एम जी एल, ये तो होना ही था, नेगेटिव तो आना ही था, नेगेटिव तो आना ही था, क्योंकि फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो दैट्स व्हाई काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण जो वर्क डन होगा इट विल माइनस का म्यू एम जी एल, माइनस का म्यू एम जी एल। अब याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछता तो क्या होता? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दो। वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर मैं पूछता तो क्या होता? सर वर्क डन बाय आप ग्रेविटी पूछते तो एम जी एच नीचे की तरफ आ रहा है, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स पूछू सर माइनस का म्यू जी एम एल, म्यू एम जी एल हॉरिजेंटल। अगर मैं ग्रेविटी में वर्टिकल ले रहा हूं, ग्रेविटी में वर्टिकल ले रहा हूं तो फ्रिक्शन में हॉरिजेंटल ले रहा हूं, फ्रिक्शन में क्या ले रहा हूं? हॉरिजेंटल ले रहा हूं। क्या ये बात सबको समझ में आई? फ्रिक्शन में क्या ले रहा हूं? हॉरिजेंटल ले रहा हूं। ग्रेविटी में लूंगा वर्टिकल, फ्रिक्शन में लूंगा हॉरिजेंटल। तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे आ रहे हैं तो एम जी एच, ऊपर जा रहे हैं तो माइनस का एम जी एच, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन माइनस का म्यू एम जी एल, माइनस का म्यू एम जी एल, माइनस का म्यू एम जी एल। याद करो, तीन बार बोलो मेरे साथ, अपने मन में बोलो, तो आपका मन और मेरा मन एक ही है, आपके मन की आवाज, आपके दिल की आवाज मेरे दिल तक जरूर पहुंचती है ना? तो माइनस ऑफ म्यू एम जी एल, माइनस ऑफ म्यू एम जी एल, माइनस ऑफ म्यू एम जी एल, याद हो गया। अब हमें भाई साहब जी याद हो गया है, अब हमें बिल्कुल भी कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। यहां तक हमारी जो जर्नी थी वो थी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कैसा? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब एडवांस लेवल पर जाने को तैयार हो? हाँ एडवांस लेवल पर जाने को तैयार हो क्या? प्लीज से यस और नो। अगर एडवांस लेवल पर जाने को तैयार हो तो मैं एक चीज आपको बता देता हूं, सो योर वीकली शेड्यूल इज पब्लिश्ड, दिस इज द वीकली शेड्यूल चैलेंज, ये आपका शेड्यूल रहेगा बेटा, ठीक है? ध्यान नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लॉ ऑफ मोशन आने वाला है, जिन स्टूडेंट को समस्या थी कि
दिक्कत थी सर? लॉ ऑफ मोशन तो आधा ही पढ़ाया है, फ्रिक्शन रह गया है, कंस्ट्रेंट मोशन रह गए हैं, कैसे होगा? आने वाला है 13 अक्टूबर को, कल। जी हाँ, कल लॉ ऑफ मोशन का रिमेनिंग पार्ट कल हम पूरा करेंगे, बिल्कुल उसी पैशन और उसी एनर्जी के साथ। पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 को कवर कर लो। ब्लर दिख रहा है? ये तो ब्लर दिख नहीं सकता, 1080 पिक्सल पर चल रही है वीडियो अपनी, यू नो। टाइम का चलो कोई नहीं, चैलेंज ठीक है। अब चमका, 14-15 को क्लास नहीं होगी यूट्यूब पे, बट 14-15 को आपके लिए कुछ स्पेशल है, स्पेशल क्लास है ना। तो 20 अक्टूबर तक हीट ट्रांसफर अपने पहुंच जाएंगे। इसके आगे का नहीं भेजा है, इसके आगे का भी बता दूंगा, बट जितना लंबा अपने प्लान करते हैं ना, उसको एग्जीक्यूट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए आपको मैं कहता हूं, कभी भी बड़ा प्लान मत बनाइए। कभी कभी क्या होता है, बालकों में जोश आ जाता है, जोश आ जाता है, एक व्हाइट पन्ना लेते हैं और पूरे महीने भर के टास्क उसमें चिपका देते हैं, पूरे महीने भर का डिसिप्लिन उसमें डाल देंगे कि भैया ये सुबह इतने बजे उठूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, टॉपर का टाइम टेबल मैं फॉलो करूंगा, सुबह 5 बजे उठ के रात को 12 बजे मैं सोऊंगा, 5 घंटे की नींद लूंगा। ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। छोटे छोटे प्लान बनाओ, स्टेप्स चढ़ो, स्टेप्स। अगर सीधा ऊपर चढ़ोगे -μmgl आ जाएगा, इसलिए स्टेप्स में चढ़ो। -μmgl कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा, तो ये ध्यान रखना, ग्रेविटेशन एक दिन में हो जाएगा। तो छोटा छोटा प्लान बनाओ हफ्ते भर का, अकॉर्डिंग टू यू, नॉट एज पर टॉपर, क्योंकि यू आर टॉपर इन योर विजन। आप अपने आप को मुझसे भी बेहतर जानते हो, खुद से भी बेहतर जानते होंगे, तो उसी अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना है अपने को, है ना। तो ये शेड्यूल रहेगा, और नोट्स अनअकैडमी कम्युनिटी पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के, ऊपर भी देखा करो, थोड़ा ऐसे स्क्रॉल किया करो, बाकी चीजें जीवन में स्क्रॉल करते हो, थोड़ा सा अनअकैडमी कम्युनिटी पर जाके भी थोड़ा स्क्रॉल वगैरह किया करो। एनएलएम काम मिल जाएगा वहां पे आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, मोशन इन प्लेन के, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के, है ना। डीपीपी की क्लास आज मैंने शेड्यूल कर ही दी है, बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर डीपीपी लाओ, डीपीपी लाओ। 2 बजे डीपीपी है ना, 2 बजे डीपीपी है। ओके नाउ चलिए, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, जो भी मैंने अपलोड किए हैं। ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा कि सर आपने जो अपलोड किया उसे लिखना भी है क्या? बिल्कुल लिखना है, यहां तो मैंने टाइप कर रखा है, आपको वहां अपने हाथों से लिखना है, ये ग्राफ बनाना है। नाउ वी आर ऑन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? वेरिएबल मतलब क्या होता है? जो वेरी करे, किसके साथ? टाइम के साथ भी वेरी कर सकता है, स्पेस के साथ भी वेरी कर सकता है, किसी भी चीज के साथ फोर्स वेरी कर सकता है, किसी भी चीज के साथ। अभी हम यहां पे फोकस करने वाले हैं कि अगर जो आपका फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में वेरी करे, वाई डायरेक्शन में भी वेरी करे, जेड डायरेक्शन में भी वेरी करे, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वर्क डन? इट्स वेरी सिंपल बेटा, इट्स वेरी सिंपल। फोर्स क्या होता है, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू छोटू सा डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे तो फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, यहां पे फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, छोटू सा डिस्प्लेसमेंट, फिर फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, छोटू सा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, छोटू सा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, छोटू सा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, छोटू सा डिस्प्लेसमेंट। एक्स डायरेक्शन में फोर्स वेरी कर रहा है, वाई डायरेक्शन में भी कर सकता है, जेड डायरेक्शन में भी कर सकता है। तो व्हाट इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स? वेरी सिंपल। अब पेन पेपर ले लो बेटा, मेरे भाइयों और बहनों, बालकों, पेन पेपर ले लो। अब हम समझते हैं कि फोर्स किस किस डायरेक्शन में वेरी कर सकता है। आपका जो फोर्स है ना, वो एक्स डायरेक्शन में भी वेरी कर सकता है, आई कैप प्लस, वाई डायरेक्शन में भी वेरी कर सकता है, जे कैप प्लस, जेड डायरेक्शन में भी वेरी कर सकता है, के कैप। अब मैं कैप नहीं लगाऊंगा,
कैप नहीं लगाऊंगा मैं। और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा सर? मेरा डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, मेरा डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, और मेरा डिस्प्लेसमेंट जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है। और मुझे पता है कि टोटल वर्क डन क्या होता है, तो टोटल वर्क डन होता है फोर्स इंटू छोटू सा डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन, फोर्स डॉट डीएस का इंटीग्रेशन। तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से मल्टीप्लाई करो, के को के से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डीवाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डीजेड, है ना? सिंपल, एफ एक्स डीएक्स एफ वाई डीवाई एफ जेड डीजेड, याद हो जाएगा। याद कर लो अभी का अभी, एफ एक्स की जगह एफ एक्स रख देंगे, एफ वाई की जगह एफ वाई रख देंगे, एफ जेड की जगह एफ जेड रख देंगे। एफ एक्स के फॉर्मूले में एक्स वाई जेड हो सकता है, एफ वाई के फॉर्मूले में एक्स वाई जेड हो सकता है, एफ जेड के फॉर्मूले भी एक्स वाई जेड हो सकता है कि नहीं? सिंपल सी चीज। तो एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड, सिंपल। चलो क्वेश्चन लगाएं, क्वेश्चन लगाएं क्या? क्वेश्चन करो सॉल्व, क्वेश्चन करो फटाफट, क्वेश्चन करो। फाइंड आउट द वर्क डन बाय गिवन फोर्स एफ बराबर थ्री आई। तो एफ एक्स कौन है? थ्री। एफ वाई कौन है? माइनस का फोर। एफ जेड कौन है? फाइव। डी एक्स डी वाई डी जेड लिमिट इंपोज करनी है, एक्स की लिमिट वन से गया हूं टू, वाई की लिमिट थ्री से गया हूं फोर, जेड की लिमिट टू से गया हूं सेवन। सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। चलिए थोड़ा सा कीजिए जल्दी, करें सॉल्यूशन। वेरी सिंपल सर, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड। तो वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, अब सॉल्व कर सकते हो साथ साथ में, एफ जेड डी जेड। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, एफ एक्स कितना है सर? एफ एक्स है थ्री डीएक्स, और एक्स कहां से कहां जा रहा है सर? एक्स जा रहा है वन से टू, तो लिमिट इंपोज कर दो वन से टू, प्लस इंटीग्रेशन। एफ वाई कितना है सर? माइनस का फोर डी वाई, वाई जा रहा है थ्री से फोर, प्लस एफ जेड, एफ जेड कितना है सर? फाइव डी जेड, जेड जा रहा है टू से सेवन। तो देखो थ्री डीएक्स का क्या हो जाएगा? एक्स, तो टू माइनस वन प्लस माइनस का फोर ले लो सीधा, माइनस का फोर, फोर माइनस थ्री प्लस फाइव, सेवन माइनस टू, थ्री वन जा थ्री माइनस फोर वन जा फोर प्लस फाइव, फाइव जा 25, तो कितना आ रहा है ये? 24 जूल आ रहा है क्या? 24 जूल आ रहा है क्या भाई? पक्का आया नहीं किसी का आंसर? ये तो भैया ना इंसाफी है, ये तो ना इंसाफी, किसी का आंसर नहीं आया, कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? जिसका आंसर आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करो फटाफट, जिसका आंसर आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करो क्या है। अब इसका आंसर आप बताओ, मैं नहीं बताने वाला, बताओ इसका आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, आया है आया है, समझ आया? टॉपिक देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी एक्स, बस खत्म, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू, वर्क डन विल बी इक्वल टू, एफ एक्स कितना है सर? एफ एक्स है एक्स, यहां पे क्या आ जाएगा? डीएक्स, लिमिट जाएगी वन से टू। एफ वाई कितना है सर? एफ वाई है वाई डी वाई, लिमिट जाएगी वन से टू। आंसर दे दो अब फटाफट,
जब तक मैं सॉल्व करता हूं, जेड डी जेड लिमिट जाएगी 1 से 2, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 1 से 2 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 1 से 2 प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 2 1 से 2। तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, क्या इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, बोलो भाई। हाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, तो 3 × 3 डिवाइड बाय 2, क्या सभी का 9/2 आ रहा है, कमेंट सेक्शन में आंसर करो। 9/2, 9/2 इज राइट आंसर। जूल, प्लीज यूनिट लिखिएगा जूल। समझ आया क्या? बिल्कुल साहब आ गया। हो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो ये तीन तीन डिफरेंशिएशन आपको आनी चाहिए, तीन टाइप के डिफरेंशिएशन, 9/2 तीन टाइप के डिफरेंशिएशन। ये तो सिंपल है, ये क्या है सर, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। हमने यहां से क्या सीखा, एक बार में एक फोकस करो, बाकी को कांस्टेंट रख दो, एक बार में एक ही चीज का डिफरेंशिएशन करो और बाकी को कांस्टेंट रख दो। इसमें मैं क्या रख सकता हूं, देखो मान लीजिए मुझे एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो वाई जेड को क्या रखूंगा, कांस्टेंट। तो वाई जेड को कांस्टेंट रखा, एक्स का डिफरेंशिएशन किया, एक्स जेड को कांस्टेंट रखा, वाई का डिफरेंशिएशन किया, और एक्स वाई को कांस्टेंट रखा, जेड का डिफरेंशिएशन किया। समझ में आया है, यूवी जैसा ही, एक बारी में एक का डिफरेंशिएशन करो बाकी को कांस्टेंट, दूसरी बारी में दूसरे का डिफरेंशिएशन करो बाकी को कांस्टेंट, तीसरे बारी में बाकी का कांस्टेंट रख के लास्ट में जो बचा उसका डिफरेंशिएशन। एकदम सिंपल, याद आया, याद आया कि नहीं? इसमें भी सेम कंसेप्ट है, इसमें भी सेम कंसेप्ट है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर का, प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएशन करना है वाई स्क्वायर का, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, डिफरेंशिएशन करना है जेड स्क्वायर का। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे व्हाट विल यू गेट, क्या मिलेगा आपको सर, यहां मिलेगा 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डीएक्स, क्योंकि पावर आगे आ जाएगी, प्लस यहां क्या मिलेगा 2 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर डीवाई प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड। सिंपल, एकदम सिंपल, कोई समस्या, कोई परेशानी, 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, लेकिन एक्स भी तो आएगा ना, पहले पावर का करेंगे, तो यहां पे एक चीज और आएगी, एक मिनट रुको, एक चीज और आएगी, पावर का करेंगे, एक्स स्क्वायर की पावर का करेंगे तो 2x आ जाएगा, यहां पे 2y आ जाएगा और यहां 2z आ जाएगा। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो पढ़ा रहा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, और एक्स का क्या होगा डीएक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x और यहां होगा डीएक्स, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और यहां पे डीवाई, जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z और यहां पे डीजेड। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अगर आप x को कांस्टेंट रखते हो तो y का डिफरेंशिएशन कर दो, y को कांस्टेंट रखते हो तो x का डिफरेंशिएशन कर दो। अब ये क्वेश्चन आएगा यहां पे काम में, ये जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन अभी अपनों ने तीनों किए ना, यहाँ पे यूज में आएंगे। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट याद होना चाहिए, फॉर्मेट याद होने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा हमें याद होना चाहिए कि ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं करता हूं कि व्हाट विल बी वर्क डन सर, वर्क डन विल बी एफ एक्स डीएक्स, एफ एक्स कितना है,
सर एफएक्स है वाई, और डीएक्स प्लस एफ वाई कितना है, एक्स डी वाई। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएक्स प्लस एक्स डी वाई, ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएक्स प्लस एक्स डी वाई, ऐसे लिख सकता हूं। अब मुझे याद है कि सर ये जो y dx प्लस एक्स डी वाई होता है, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कट गया, यहां गया एक्स वाई, लिमिट ही पोज कर दो 1 से 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1, आंसर कितना आ जाएगा 3 जूल, आंसर कितना आ जाएगा 3 जूल। आई बात समझ में, इसीलिए वो मैंने करवाया, उसका रोल यहां पे। अब मान लो कोई डायरेक्टली इस क्वेश्चन में कूदेगा, जेन्युइनली अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, तो उसमें थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ पाएगी कि ये उठा कहां से क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप करो, ये वाला क्वेश्चन आप करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। बेटा आज भी मैं सोच रहा हूं क्लास 3 घंटे ही ले लूं, क्योंकि कुछ पेंडिंग रखने का मन नहीं है मेरा। ट्राई करो, अब देखो ट्राई करने में भी कुछ हर्ज नहीं है। देखो वर्क डन क्या होता है सर, वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स कितना है सर वाई जेड, और यहां कौन आ रहा है डीएक्स, प्लस एफ वाई क्या है जेड एक्स, और यहां आ जाएगा डी वाई, प्लस एफ जेड क्या है सर एक्स वाई, और यहां क्या आ जाएगा जेड। तो ये फॉर्मेट हमने पढ़ा है, ये फॉर्मेट हमने पढ़ा है, तो ये फॉर्मेट क्या हो जाएगा, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई जेड, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई जेड। तो नाउ पता भी नहीं चला ना, कंप्लीट हो गया एक्स वाई जेड, लिमिट इंपोज कर दो 1 से 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना हो गया 7 जूल। सबका आया, सबका आया 7 जूल। बढ़े आगे की तरफ, ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। अब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पेन पेपर यूज करो, विदाउट यूजिंग पेन पेपर यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, पेन पेपर इन क्वेश्चंस में यूज में लेना ही पड़ेगा। और आज तो आधो का जूस तो वैसे ही ठंडा हो गया, ये तो खुशी की बात है, कंपटीशन कम हो गया। इसीलिए तो 75 हार्ड है। चलो करें, करो सर, साहब जी हमने इसको देखा है कहीं, साहब जी हमने देखा है इसको कहीं। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ एक्स, सो एक्स वाई स्क्वायर, इसको मैं लिख लेता हूं डीएक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर डीवाई। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो कि यहां पे वाई डी वाई और एक्स डी एक्स आ रहा है, वाई डी वाई एक्स डी एक्स आ रहा है, वाई डी वाई एक्स डी एक्स आ रहा है, मतलब सर ये स्क्वायर वाला सा तो है पर 2 नजर नहीं आ रहा है, 2 नजर नहीं आ रहा है, तो 2 को डिवाइड कर दो, 2 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सो सिंपल, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ, आप करके देखना, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया 2x dx, तो 2 से 2 कट गया, तो एक्स वाई स्क्वायर डीएक्स आ जाएगा। थोड़ा सा लेवल हाई है, क्रीम है ये, क्रीम,
बस बन गया क्वेश्चन, अब तो कुछ ही नहीं है सर। इट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाय टू। नाउ 1 2 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्वायर डिवाइड बाय 2। 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16, 16 माइनस 1 15, तो ये 15 डिवाइड बाय 2 जूल हो जाएगा। फिफ्टीन डिवाइड बाय 2 जूल। वेरी गुड बाज, क्या बात, बहुत बढ़िया। फायदा एक बार थोड़ा वापिस देखना वीडियो। चलो इसको करके देखो भैया, इसको ट्राई करो। जो अभी तक हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी है, इसको ट्राई करो कि सर ये बन पा रहा है कि नहीं, ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। कोशिश करो, रफली फटाफट करने की कोशिश करो, इसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फॉर्म में सेट करने की कोशिश करो। ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का डिफरेंशिएशन कीजिए, आपको वो ऊपर वाला फॉर्मेट मिलेगा। नाउ इट्स वेरी टिपिकल क्वेश्चन सर, यहां तो बन ही नहीं रहा, यहां तो बन रहा है एक्स स्क्वायर वाई डीएक्स, एक्स स्क्वायर डीएक्स आ रहा है, एक्स स्क्वायर डीएक्स आ रहा है। नहीं बनेगा सर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला फॉर्मेट नहीं बनेगा। हमने जो 3 फॉर्मेट पढ़े हैं, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का डिफरेंस, इन तीनों में से किसी का नहीं सेट बैठेगा। कर लो कोशिश, कर लो, लगा लो दम, कर ही नहीं पाओगे इसको आप, कैसे सॉल्व करोगे इसको, नहीं कर पाओगे, नहीं होगा, नहीं बन पाएगा। होमवर्क ले लो, चाहे होमवर्क ले लो। तो ऐसा इक्वेशन जिसको इंटीग्रेशन करना मुश्किल हो, सो व्हाट इज वर्क डन, सो दिस इज वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई डीएक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स डीवाई। अब देखो पहले वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करो। पहले वाले में क्या था, डीएक्स एक्स वाई स्क्वायर था, डीवाई वाई एक्स स्क्वायर था। अब तो वेरिएबल के साथ ही स्क्वायर आ गया। पहले वेरिएबल की पावर कितनी थी सर, वेरिएबल की पावर थी 1। अब वेरिएबल के पास पावर आ गई। जब भी ऐसा हो कि आप इंटीग्रेशन ना कर पाओ तो समझ लेना गड़बड़ है दया, अब दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। इतनी देर से जो हम मेहनत कर रहे थे, या भाई साहब जी जो मेहनत कर रहे थे इतनी देर से, दो आंखें दिख रही है, हरे रंग का है ये काला दिख रहा है क्रोमा के कारण। तो ये भाई साहब जी जो इतनी देर से मेहनत कर रहे थे, अब चमकेगी आंखें, गलत है। जिनका भी आंसर आ रहा है ना, वो गलत है, वो गलत है, वो सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, सॉल्व कर ही नहीं पाओगे बेटा, सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा, ये नॉट पॉसिबल। इसको इंटीग्रेट करना ही पॉसिबल नहीं है। वाई का कैसे करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। मैं समझाऊंगा ही नहीं इस क्वेश्चन को, ये आप करना घर पे बैठे बैठे फ्री टाइम पास। तो ध्यान से सुनिए, यहां पर एक दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे का नाम क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ऐसा फोर्स जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है, जो अभी हमने पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा, उससे हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और ऐसा फोर्स जिसको हम सॉल्व कर पा रहे थे, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, उसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। अभी हमें पहचानना पड़ेगा कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, नॉन कंजर्वेटिव कौन सा है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अभी तक हमने जितने भी फोर्सेस के क्वेश्चन सॉल्व किए, सभी कंजर्वेटिव थे। याद करो, जहां पे फोर्स कांस्टेंट होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। जहां पे फोर्स कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। याद हो जाएगा,
नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, जिसका इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे उसे हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में डिफरेंस क्या है कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। एमजीएच है ना, एमडीएच नहीं, एमजीएच है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। घर से स्कूल जाने वाला एग्जाम्पल। और किसी भी क्लोज्ड लूप में अगर हम बात करें, क्लोज्ड पाथ में इनिशियल एंड फाइनल डिस्टेंस आर सेम, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किसी भी क्लोज पाथ में किया गया वर्क डन किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। नाउ अब पहचाने कैसे सर, पहचाने का सिंपल तरीका, अगर अगर हम इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं तो कंजर्वेटिव है, नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ दो नॉन कंजर्वेटिव है। इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं तो कंजर्वेटिव, अब यहां से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे तो नॉन कंजर्वेटिव। जो भी फोर्स कॉन्स्टेंट है मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कॉन्स्टेंट है, डायरेक्शन भी कॉन्स्टेंट है, एम जी एच माइनस का म्यू एम जी फ्रिक्शनल फोर्स कॉस थीटा, डायरेक्शन भी कॉन्स्टेंट और मैग्नीट्यूड भी कॉन्स्टेंट, तो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। दो तरीके, एक तो जिसका हम इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं, एक जो फोर्स कांस्टेंट है mgh, और जो सेंट्रल और रेडियल फोर्सेस है, सेंट्रल रेडियल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल सेंटर टू सेंटर लगता है रेडियल डायरेक्शन में, तो जितने भी सेंट्रल और रेडियल फोर्स होते हैं वो होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। कैसे फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस। साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेंटर टू सेंटर लगता है, रेडियल फोर्स वो भी कैसा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स, वो भी कैसा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। और क्या तरीका है पहचानने का, अगर कोई फोर्स एक्स डायरेक्शन में है और वो एक्स डायरेक्शन का फंक्शन है, वाई डायरेक्शन का फोर्स वाई डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, जेड डायरेक्शन का फोर्स जेड डायरेक्शन में डिपेंड करता है, अभी तक हमने जितनी इक्वेशंस पढ़ी थी जैसे एक्स वाई वाली है ना, तो वाई डी एक्स, एक्स डायरेक्शन का फोर्स एक्स कंपोनेंट पर डिपेंड करता है, y डायरेक्शन का फोर्स y कंपोनेंट पर डिपेंड करता है, z डायरेक्शन का फोर्स z डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, उसका फंक्शन है, तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। क्या ये बात सबको समझ में आई, तो क्या तरीका है, सबसे फटाफट याद करो, पहला सर जिसका हम इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स, जो फोर्स कॉन्स्टेंट है कंजर्वेटिव फोर्स, क्लोज लूप में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो, रेडियल सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स, x डायरेक्शन का फोर्स x का फंक्शन, y डायरेक्शन का फोर्स y का फंक्शन, z डायरेक्शन का फोर्स z का फंक्शन, कंजर्वेटिव फोर्स। अभी आपके मन में एक भाव उमड़ रहा होगा, और वो क्या भाव है, आप सोच रहे होंगे अभी सब याद कर लेता हूं, है ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रख के इसको रिवाइज करना पड़ेगा, एक दिन में आप सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते हो। तो अभी जो भी व्यक्ति इन सभी चीजों को याद करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा सांस ले लो भैया, ऐसे याद नहीं होगा, रिवीजन करने से। अभी समझ में आ गया ना मुझे, यस और नो बताओ, समझ में आ गया ना, प्लीज से यस और नो। पक्का समझ में आना चाहिए। नाउ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग आपने देखा हो ना, दबाते हैं डिफॉर्मेशन हो जाता है, छोड़ते हैं बड़ी हो जाती है, चलिए देखो पानी तो पियेंगे, रुको जरा सबर करो, अभी नहीं पियेंगे पानी,
अभी हम बात करेंगे वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, किसके द्वारा? स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन। अभी मैं स्प्रिंग पर कितना फोर्स लगा रहा हूं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है मैं उसकी चर्चा करूंगा। अगर मैं स्प्रिंग को खींचता हूं तो स्प्रिंग अंदर की तरफ फोर्स लगाती है, स्प्रिंग को खींचेंगे हम बाहर की तरफ, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट होगा बाहर की तरफ, बट स्प्रिंग लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। करके देखो, ये मान लो स्प्रिंग है, दिस इज द स्प्रिंग, इसको मैं खींचूंगा बाहर की तरफ, लेकिन स्प्रिंग फोर्स लगाएगी अंदर की तरफ, तो स्प्रिंग फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, है ना? स्प्रिंग फोर्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है, थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है, देखो कैसे। मान लीजिए यहां पर आपकी स्प्रिंग पड़ी है, फ्री फ्रीली रखी हुई है, तो जब हम स्प्रिंग को फ्री रखेंगे स्प्रिंग विल नॉट अप्लाई एनी फोर्स। जब तक हम किसी को परेशान नहीं करते, जब तक हम किसी को परेशान नहीं करते फोर्स नहीं लगाएगा, तो हम स्प्रिंग पे फोर्स लगाते, स्प्रिंग करेगी। जैसे मान लो पुरानी मूवीज में क्या होता था, ऐसे बांध देते थे हाथों को, दिख रहा है क्या? ऐसे हाथों को बांध देते थे ऐसे, और यूं खींचते थे, गुंडे लोग विलन लोग हाथ को ऐसे, ओ हो ऐसे, तो बेचारा हीरे को परेशानी होती थी, तो हीरो अंदर की तरफ फोर्स लगाता था ऐसे ऐसे अंदर की तरफ। जब तक हीरो को खींचते नहीं थे ना, हीरो ऐसे आराम से बैठा रहता था, इनके सामने मत नाचना, इनके सामने मत नाचना। लेकिन जैसे हीरो के हाथ खींचे, अरे मना कर रहे तू, हीरो कहता था रुक मैं बताता हूं तुझे। तो सेम केस यहाँ पे होने वाला है, जब हम स्प्रिंग को खींचेंगे, ऐसे स्प्रिंग को खींचेंगे, स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज होगी, और स्प्रिंग जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स को हम कहेंगे स्प्रिंग फोर्स। इफ यू आर अप्लाइंग टेंसाइल फोर्स तो स्प्रिंग रिएक्शन भी देगी टेंसाइल की, बट उसके डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। तो कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला डिराइव करता है अपने। तो मैंने इसको फोर्स लगा के खींचा, यहां पहुंच गए हम, दिस इज द इनिशियल डिफॉर्मेशन, फोर्स लगाने पर इतना डिफॉर्मेशन हुआ, मैंने और फोर्स लगाया, ये हो गया फाइनल डिफॉर्मेशन। तो इनिशियल से फाइनल जाने के लिए, इनिशियल से फाइनल जाने के लिए, या फिर यहां जीरो से फाइनल जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो करिए कैलकुलेट, बहुत सिंपल सी चीज है। अब पेन पेपर उठा लीजिए, पेन पेपर उठा लीजिए, हमें निकालना है वर्क डन बाय विच फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। सर इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्प्रिंग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सा, माइनस ऑफ स्प्रिंग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ प्लीज सी, हमने क्या पढ़ा है कि फोर्स छोटू सा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स छोटू सा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स छोटू सा डिस्प्लेसमेंट, तो यहां मैं डिस्प्लेसमेंट भी क्या ले लूंगा, छोटू सा। अगर ये माइनस का चक्कर पड़ रहा है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, फोर्स इंटू छोटू सा डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज माइनस ऑफ के एक्स, माइनस ऑफ के एक्स। सर स्प्रिंग फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। तो देखो बेटा, इफ स्प्रिंग फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ए नेगेटिव साइन हियर। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ के एक्स डी एक्स, और हम जा रहे हैं एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ के इन ब्रैकेट एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर डिवाइड बाय टू, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स विल बी माइनस, अब माइनस को मैं अंदर ले जाता हूं, तो माइनस को जब मैं अंदर ले जाता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं वन बाई टू के इन ब्रैकेट एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए,
वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ये याद होना चाहिए, 1/2 k टाइम्स ऑफ एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। व्हाट इज एक्स इनिशियल एंड एक्स फाइनल? एक्स इनिशियल क्या है सर? एक्स इनिशियल इज द इनिशियल डिफॉर्मेशन, और एक्स फाइनल क्या है सर? एक्स फाइनल है फाइनल डिफॉर्मेशन। एक्स इनिशियल इज द इनिशियल डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग, एक्स फाइनल एंड इज द फाइनल डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग। इनिशियल इज द इनिशियल डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग, एफ इज द फाइनल, इट इज डिफॉर्मेशन। अगर इनिशियली आपकी स्प्रिंग फ्री है, फ्री है, तो इनिशियल डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? जीरो। अगर स्प्रिंग फ्री बैठी है इनिशियली, तो इनिशियल डिफॉर्मेशन विल बी जीरो। अगर मैं उसको खींचता हूं एक्स डिस्टेंस पे, तो फाइनल डिफॉर्मेशन विल बी एक्स। तो क्वेश्चन लगा सकते हैं क्या? क्वेश्चन लगाना चाहे तो लगा सकते हैं क्या? मान लीजिए क्वेश्चन क्या है कि इनिशियल डिफॉर्मेशन है जीरो और फाइनल डिफॉर्मेशन है एक्स, तो व्हाट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग बताओ। व्हाट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग सॉल्व करो फटाफट। इट शुड बी नेगेटिव। जिनका नेगेटिव नहीं आ रहा वो गलत कर रहे हैं, नेगेटिव होना चाहिए। इट शुड बी नेगेटिव। होगा क्यों नहीं सर? ये होगा सर के बाय टू इन ब्रैकेट इनिशियल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर और फाइनल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर। तो क्या ये माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर बाय टू आ रहा है? शाबाश शाबाश। सेम क्वेश्चन, इसी स्प्रिंग को जिसमें डिफॉर्मेशन है एक्स, मैं फर्दर एक्स और डिफॉर्मेशन कर देता हूं, मैं फर्दर और इसकी एक्स लेंथ इंक्रीज कर देता हूं, देन व्हाट विल बी द वर्क डन बाय स्प्रिंग? प्लीज टेल मी। सेम स्प्रिंग मैंने एक्स डिफॉर्मेशन कर रखा था, तो इसमें हमने वर्क डन कैलकुलेट किया है जीरो से एक्स जाने में। यहां पे मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है एक्स से 2x जाने में, एक्स से 2x जाने में। सोल्व करो फटाफट फटाफट, जल्दी से सोल्व करो, फिर एक अच्छी सी बात बताता हूं मैं आपको। बताओ बन गया 2² - 1² / 2 है ना, 2² - 1² / 2 माइनस का 3/2। तो सर के बाय टू इनिशियल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर माइनस फाइनल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 3k/2 एक्स स्क्वायर। नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। बस होने वाली है क्लास, बस होने वाली है। अब तो हो गया अपना कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब इसमें क्या बचा? अब कुछ नहीं बचा इसमें, अब तो बस जो हमने पढ़ा है उसी को हमें क्या करना है? अप्लाई करना है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। अब थोड़ा सा फोकस इंक्रीज करो, पेन और पेपर लेके बैठो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज बेस्ड ऑन दिस वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम वी आर गोइंग टू सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है? कार्य गतिज ऊर्जा थ्योरम को क्या बोलते हैं प्रमेय? चलिए, तो हमने पढ़ा है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन बाबा जी कहते हैं कि सर जी फोर्स होता है मास,
फोर्स क्या होता है? मां होता है। क्या बात समझ में आई? सर जी, फोर्स होता है मां, फोर्स होता है मां। और अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो दोनों तरफ हमें डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू एम डॉट ए डी एस। इंटीग्रेशन कर दीजिए, कर देंगे। सो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी? दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस अयो रामा विल बी इक्वल टू एम इन ब्रैकेट ए डॉट डी एस। ए डॉट डी एस, इसमें कोई संदेह? ए को क्या लिख सकता हूं? ए को लिख सकता हूं मैं वी डीवी अपॉन में डीएस डॉट डीएस। अब एक नई चीज पैदा होने वाली है, आज एक जन्म होने वाला है, एम इंटीग्रेशन वी डीवी। तो एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय टू। तो वी डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा? वी स्क्वायर बाय टू। तो उसको मैं लिख सकता हूं एम v square divide by 2, v initial से v final। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि सर work done by all equal to m in bracket v final square minus v initial square divide by 2। अब जादू होने वाला है, तो इसको मैं लिखता हूं work done by all will be equal to एम वी फाइनल का स्क्वायर डिवाइड बाई टू माइनस, ओ माई गॉड, एम वी स्क्वायर बाय टू क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाय टू क्या होता है बताओ? एम वी स्क्वायर बाय टू, व्हाट इज एम वी स्क्वायर बाय टू? काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यार ये ऑयली हो जाता है हाथ थोड़ा, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सर वर्क डन बाय ऑल, जो भी फोर्सेस दिख रहे हैं, जो भी फोर्सेस नहीं दिख रहे हैं, सबको ले आओ, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड दिस इज नोन एज वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। सभी फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन, इवन द फोर्सेज आर एक्सटर्नल, इवन द फोर्सेज आर इंटरनल, चाहे एक्सटर्नल फोर्स हो, इंटरनल फोर्स हो, सभी फोर्स। हमने कौन कौन से फोर्स पढ़े? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन, वर्क डन बाय इंटरनल नॉर्मल, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, एवरीथिंग वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, है मेरे भाइयों, पक्का याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला कहाँ लगा सकते हो? Now question will comes, वाइवा question, interview question, ये formula किस frame of reference में लगाओगे? Work done by all, जो भी दिखे, जो ना दिखे उसको zero कर देना बाद में, लेकिन work done by all will be equal to change in kinetic energy of the system। Now कहां लगेगा? Inertial frame में कि non-inertial में? इस बच्चे का नाम क्या है? इनर्शियल फ्रेम का वर्क डन या नॉन इनर्शियल? इसके पापा जी कौन है बताओ पहले? इसके पापा जी ऊपर दिख रहे हैं? इसके पापा जी एफ बराबर मां, दोनों दिख रहे हैं, फादर मदर, फादर मदर, मां, एफ बराबर मां, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहां लगता है? सर इनर्शियल फ्रेम। ये फॉर्मूला भी सर इनर्शियल फ्रेम में लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो सर नॉन इनर्शियल में कैसे लगाएंगे? नॉन इनर्शियल में कैसे लगाएंगे? बिल्कुल सिंपल, सूडो फोर्स कंसीडर करके। फॉर्मूला तो इनर्शियल के लिए बनाया, लेकिन नॉन इनर्शियल में कैसे लगाओगे? बाय कंसीडरिंग द सूडो फोर्स, सूडो वर्क डन। तो वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम, बट वी कैन यूज इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम by including the work done by pseudo force, छद्म बल। छद्म बल जो होता है वो दिखाई नहीं देता,
नहीं होता वो दिखाई देता ऐसा छद्म बल, है ना? समझा? पक्का समझ में आया? करें क्वेश्चन, लगा ले, चलो सॉल्व करो क्वेश्चन। मैंने अभी क्या समझाया, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉल्व करो। ग्यारह बज गए, 11 बज गए, तो हम स्कूल में थे ना एक्चुअली में, तो एक गीत गाते थे, 11 बज गए, 11 बज गए, ऊपर बच गया एक, मास्टर जी छुट्टी कर दो, भूखा मर गया पेट। इसलिए मैं कहता हूं कि भैया ऑनलाइन में जब आप घर बैठे ही पढ़ रहे हो तो अब पेट भूखा नहीं मरेगा आपका, अब आप घर पे आराम से बैठ के खाना खा सकते हो, तो ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा कि मास्टर जी छुट्टी कर दो। चलो, ए ब्लॉक इज लिट फ्रॉम ए हाइट एच, ठीक है, एक ब्लॉक है, कुछ है क्या? नहीं है, ब्लॉक बना हुआ नहीं है, तो ब्लॉक बना लो। एक ब्लॉक है जो कि एच हाइट से रिलीज किया जाता है, ग्राउंड पे आता है, तो रिलीज किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो, और ग्राउंड पे आता है तो इसकी वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ जी एच, ये हाइट है एच। तो आपसे पूछा है वर्क डन बाय एयर, अब मेरी बात बताओ, अगर एयर ना होती तो अंडर रूट 2 GH से आता है ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से फेंकता हूं, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंकता हूं, एयर ना हो, हमने मोशन पढ़ा है प्लेन में, एयर ना हो तो फाइनल वेलोसिटी विल बी अंडर रूट 2 GH, वी स्क्वायर बराबर 2 GH। बट अब यहां देख लो, क्या 2 GH है? नहीं, 2 GH है नहीं, सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हुई, कुछ ना कुछ एयर रेजिस्टेंस यहां पे है। तो देखो, वर्क डन बाय ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सो वर्क डन बाय ऑल, सो वर्क डन बाय एयर प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m फाइनल का स्क्वायर, तो यहां जी एच लिख देता हूं, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, वर्क डन बाय एयर, वर्क डन बाय एयर डब्ल्यू ए प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी नीचे आ रहा है तो एम जी एच इक्वल टू एम जी एच बाय 2, तो वर्क डन बाय एयर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी एच बाय 2, माइनस ऑफ एम जी एच बाय 2। माइनस क्यों आया? क्योंकि एयर विल गिव यू ए रेजिस्टेंस, एयर विल गिव यू ए रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस देगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट नीचे, एयर रेजिस्टेंस ऊपर, आई बात समझ में? तभी नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे, एयर रेजिस्टेंस ऊपर, तो एयर के द्वारा किया गया वर्क डन, फोर्स बाय एयर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, फोर्स बाय एयर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, सो दैट्स व्हाई इट विल बी नेगेटिव। क्लास आधा घंटा और चलेगी, ऐसी चीजें नहीं पूछा करते। चलो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। पेंडुलम है, उसको हमने ऊपर उठाया थीटा एंगल पे, तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन निकाला, सिंपल, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन। ये पेंडुलम है, ये एंगल थीटा है, और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ये तो बाद में देख लेंगे, नीचे की तरफ फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स, तो ये तो है इसका हॉरिजॉन्टल इनिशियल रेफरेंस, ये ऊपर जा रहा है ना, कितना ऊपर गया बता सकता है कोई? कितना ऊपर गया है कोई बता सकता है क्या? बिल्कुल बता सकता है सर, ये वाली जो डिस्टेंस है ये है एल, और अगर हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करें
अगर हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करें तो ऊपर जाने के बाद ये क्या हो जाएगी, एल कॉस थीटा, और ये वाली डिस्टेंस, तो ये कितना ऊपर गया है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एल माइनस एल कॉस थीटा, एल माइनस एल कॉस थीटा कितना ऊपर गया है ये हम बता सकते हैं। तो ये पेंडुलम है, गिव मी 1 मिनट, दिस इज पेंडुलम। अभी ये यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है इसकी, जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब मैं इसको ले जाता हूं ऊपर और यहां लाके मैं रुक गया, तो यहां भी काइनेटिक जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। इसको ऊपर ले जाने में किसने वर्क किया, मैंने किया। ऊपर ले जाने में किसने वर्क किया, मैंने किया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके अगेंस्ट किया, ग्रेविटी के अगेंस्ट किया, ग्रेविटी के अगेंस्ट किया, क्योंकि अगर मैं इस पर वर्क डन ना करूं तो ये नीचे आ जाएगा, तो मुझे यहां तक इसमें वर्क डन करना पड़ेगा। सिंपल, वर्क डन बाय ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। आप आंसर बताओ, वर्क डन बाय ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, आ जाओ फोर्स पकड़ते हैं। सर एक तो लग रहा है नीचे की तरफ एमजी, सर एक लग रही है इंटरनल टेंशन, यहां भी टी, इंटरनल टेंशन टी। याद करो बचपन के दिन जब हमने पढ़ा था, वर्क डन बाय टोटल इंटरनल टेंशन इज, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। फाइनल वेलोसिटी विल बी ऑल्सो जीरो। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय एयर, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो। सर यहां पे एयर नहीं दे रखी, जीरो, फ्रिक्शन नहीं दे रखा, जीरो, इंटरनल टेंशन के द्वारा गया किया काम भी जीरो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू जीरो, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी एम जी, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऊपर की तरफ गया है, तो माइनस ऑफ एल, 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बच्चों क्या आ रहा है, एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। इट्स ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। समझ आया कि नहीं, एकदम सिंपल चीज, जो न्यूटन ने कहा है वो करो। फिजिक्स पता है कैसे पढ़नी है, जो न्यूटन ने कहा है वो करो, अपनी तरफ से कुछ मत करो, अपनी तरफ से कुछ मत करो। तो एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। एक्सलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, एक्सलेंट, एक्सलेंट, जीनियस, क्या बात है, क्या बात है। पहली क्लास में ऐसे, पहली ही क्लास में ऐसे, लो भैया ये कर लो, टेंसाइल फोर्स के द्वारा किया गया काम। टेंसाइल फोर्स के द्वारा किया गया काम, इस फोर्स को, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में यहां पर एक बॉल है, ब्लॉक है, और यहां पे एक पुली है, ठीक है, यहां पे एक पुली है, दिस इज द पुली, और यहां पे ब्लॉक है। अब हम क्या करेंगे, इस रस्सी को खींचेंगे, तो जब मैं इस रस्सी को खींचता हूं, इस रस्सी को खींचता हूं, तो ये रस्सी यहां से कुछ आगे पहुंच जाएगी,
है ना। मान लीजिए ये लेंथ है एक्स, ये लेंथ है वाई, ये वाली लेंथ है एक्स, ये वाली लेंथ है वाई। तो रस्सी की टोटल लेंथ क्या होगी? एक्स प्लस वाई। रस्सी की टोटल लेंथ क्या होगी? एक्स प्लस वाई। क्या वर्क डन करने के बाद रस्सी छोटी हो जाएगी क्या? भैया मुझे माफ कर दो, अब हमसे वर्क डन नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। जब मैं इसको खींचूंगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन सेम, इट विल बी कॉन्स्टेंट। तो क्या होगा, जब आपकी रस्सी ऐसे हो जाएगी, यहां पहुंच जाएगी, तो स्टिल इट्स लेंथ विल रिमेन सेम। ये एक्स था और ये वाई आगे पहुंच जाएगा, मतलब जो पहले फोर्स एफ यहां लग रहा था वो कितना आगे खिसकेगा? सर वो फोर्स एफ आगे खिसक जाएगा वाई डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस? वाई डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस? वाई डिस्टेंस। तो वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। स्लोली खींच रहे हो तो यहां जो टेंशन उत्पन्न हो रही है स्ट्रिंग में, ये फोर्स एफ लग रहा है तो यहां टेंशन भी एफ हो जाएगी। टेंशन एफ, टेंशन एफ, टेंशन एफ। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वाई की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं मैं? वाई को वैल्यू को लिख सकता हूं आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट ऑफ 2R2। तो इसको मैं लिख लूंगा आर रूट 2। सॉल्व क्वेश्चन एक लाइन में, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व, एक लाइन में। कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं, बस सिंपल फिजिक्स। आपको अगर क्लियर है तो ये आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नाउ कम टू द स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम की हम बात करते हैं। मान लीजिए ये स्प्रिंग ऐसे फ्री बैठी है। जब ये स्प्रिंग ऐसे फ्री बैठेगी तो इस लेंथ को हम कहेंगे फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। क्या कहेंगे? फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। क्या बात समझ में आई? स्प्रिंग अगर फ्री बैठी है तो उसे हम कहेंगे फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब जब ये फ्री बैठी है तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? जीरो। और अगर मैं इसके नीचे मास अटैच कर देता हूं उसी इंस्टेंट पे, यहां पे मास अटैच कर देता हूं उसी इंस्टेंट पे, मुझे पता है कि इस केस में स्प्रिंग फोर्स है मेरा जीरो, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि स्प्रिंग फोर्स इज लेस देन mg, क्योंकि नीचे की तरफ इसमें फोर्स लगेगा mg। अब जब इसमें नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg तो ये नीचे खिसकेगा, ये नीचे खिसकेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। तो एक्चुअल में होगा क्या, इसको ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। यहां पर स्प्रिंग फोर्स है जीरो, इस केस में स्प्रिंग फोर्स इज लेस देन mg, और mg लग रहा है नीचे की तरफ। अगर mg नीचे की तरफ लग रहा है तो आपका ये ब्लॉक नीचे की तरफ खिसकेगा, ये जाएगा नीचे। जब ये नीचे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो यहां पे मैं कह सकता हूं, यहां पे मैं कह सकता हूं कि जब ये नीचे जाएगा तो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है। अब ये यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। जब ये यहां पहुंचेगा तो ये मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट दे रहा है एक्स, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है एक्स। अब जब ये नीचे जाएगा तो स्प्रिंग खींचेगी, स्प्रिंग खींचेगी, स्प्रिंग फोर्स विल इंक्रीज। स्प्रिंग फोर्स धीरे 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 इंक्रीज होगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि स्प्रिंग फोर्स mg के इक्वल हो जाएगा। स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? mg के इक्वल हो जाएगा। तो उस पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन पे स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू mg। तो अब ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो, क्योंकि जितना नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा था उतना ही स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही थी kx। और इस टाइम पर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ने अपनी वेलोसिटी को गेन कर करके यहां पहुंच के मैक्सिमम वेलोसिटी प्राप्त कर ली है। यहां पर जब आपका ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो थी, नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा था, तो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है,
वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, इंक्रीज हो रही, इंक्रीज हो रही, यहां पे वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम, यहां पे हो जाएगी वेलोसिटी मैक्सिमम। तो मीन पोजीशन पे आई विल गेट मैक्सिमम वेलोसिटी एंड नेट फोर्स जीरो, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड नेट फोर्स जीरो। अब क्या होगा, अब स्प्रिंग और नीचे जाएगी, जब स्प्रिंग और नीचे जाएगी एक्स इंक्रीज होगा, एक्स इंक्रीज होगा स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज होगा, और अगर स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज होगा एमजी तो सेम है, एमजी तो सेम है, जब ये नीचे जाएगी यहां से नीचे जाएगी, यहां से नीचे जाएगी स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज होगा, एमजी सेम है, यहां तक तो स्प्रिंग फोर्स और एमजी सेम है, यहां तक तो स्प्रिंग फोर्स और एमजी दोनों आपस में इक्वल है, टू न्यूटन टू न्यूटन। जब मैं नीचे जाऊंगा स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज होगा, एमजी सेम रहेगा, तो यहां से नीचे जाने पे, यहां से नीचे जाने पे स्प्रिंग फोर्स विल बी मोर एज कंपेयर टू द एमजी। तो जब स्प्रिंग फोर्स ज्यादा होगा यहां पे, यहां पे नीचे पहुंचने के बाद स्प्रिंग फोर्स जब ज्यादा होगा तो अब ऑब्जेक्ट वापस कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। अब ऑब्जेक्ट वापस कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा मतलब क्या होगा सर, ऊपर की तरफ है एक्सेलरेशन, ऊपर जाएगा मतलब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होता है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। अब ये नीचे क्यों आ रहा था, क्योंकि इट इज हैविंग ए वेलोसिटी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी कारण नीचे आया, काइनेटिक एनर्जी कारण नीचे आया। आई बात समझ में, यहां पर वेलोसिटी जीरो थी, फिर ये मैक्सिमम होगी। अगर वेलोसिटी को इंक्रीज होने में टाइम लग रहा है तो वापिस जीरो होने में भी तो टाइम लगेगा, तो जीरो होने में टाइम लगेगा तब ये यहां नीचे पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। तो यहां पर जब स्प्रिंग फोर्स विल बी मोर एज कंपेयर टू द एमजी, यहां पर आपकी वेलोसिटी होगी जीरो। और यहां पर जब हमने ब्लॉक लगाया था इस पोजिशन में तो यहां पर वेलोसिटी थी जीरो। तो जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है उस पे वेलोसिटी होती है जीरो, और जो मीन पोजीशन होती है उस पे वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी होती है जीरो और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। अभी जैसे मान लो ये ऐसे पड़ा है, ऐसे पड़ा है स्प्रिंग में, मान लो ये मास नहीं है, ये ऐसे है स्प्रिंग ऐसे। अब मैं स्प्रिंग को छोड़ू, एक्सट्रीम पोजिशन पर वेलोसिटी जीरो, अब मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है, ये देखो ये यहां पे है, यहां था पहले, तो अब ये नीचे आएगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम, उसके नीचे जाएगा वेलोसिटी जीरो, जीरो मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो। समझ में आई बात, समझ में आई क्या बात? तो आप पहचान कैसे करोगे सर, पहचान करना वेरी सिंपल, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी होती है मैक्सिमम और आपका स्प्रिंग फोर्स एमजी के इक्वल होता है तो नेट फोर्स होता है जीरो। अब इसका उल्टा कर दो एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी होगी जीरो और नेट फोर्स होगा मैक्सिमम, नेट फोर्स होगा मैक्सिमम। तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? क्या ये बात सबको समझ में आई? अब यहां पे अपने करने वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन अब ध्यान से क्वेश्चन को समझना, मैं विद डायग्राम समझा रहा हूं, विद डायग्राम समझा रहा हूं। मान लीजिए आपकी स्प्रिंग थी, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, ये स्प्रिंग थी, फ्री पोजीशन में, तो ये है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। यहां पर मैं जैसे ही ब्लॉक रखता हूं, यहां पे जैसे ही मैं ब्लॉक रखता हूं, जब ये फ्री था तो स्प्रिंग फोर्स था जीरो और एमजी लग रहा था नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स कहां लगेगा सर? नेट फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, एंड दिस नेट फोर्स विल बी मैक्सिमम, एमजी के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? एमजी के इक्वल हो जाएगा। अब यहां पे वेलोसिटी कितनी थी सर? यहां वेलोसिटी थी जीरो, बिकॉज नेट फोर्स इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये ऑब्जेक्ट खिसकेगा नीचे और ये आएगा मीन पोजीशन पे,
आएगा मीन पोजीशन पे। नीचे कब तक जाएगा? नीचे जब तक जाएगा जब तक नीचे की तरफ फोर्स है, जब तक जाएगा जब तक नीचे की तरफ फोर्स है। और इस मीन पोजीशन पे, इस मेन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम और नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। अब ये नीचे क्यों जाएगा सर? अब ये नीचे जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी के कारण। ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है दिस इज एक्स, क्योंकि मेन पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो है तो मैं लिख सकता हूं एम जी बराबर स्प्रिंग फोर्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? एक्स की वैल्यू हो जाएगी एम जी डिवाइड बाय टू, एम सॉरी एम जी ओनली, एम जी एम जी, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब वी मैक्सिमम के कारण इट इज हैविंग ए वेलोसिटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये ऑब्जेक्ट और नीचे किसके का? अब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, अब ये आ जाएगा वापस एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहां पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। तो जितना जितना डिस्टेंस इसको जीरो से वी मैक्सिमम होने में लगा, उतना ही डिस्टेंस वी मैक्सिमम से जीरो होने में लगेगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कैपिटल एक्स है इट इज इक्वल टू 2x, इट इज इक्वल टू 2mz डिवाइड बाय के। इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। क्या ये बात समझ में? टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग एक्स इक्वल टू 2mz डिवाइड बाय के। अब हमें बताना है मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी, मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी। तो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी कहां होती है? ये है हमारी एक्सट्रीम पोजीशन, ये हमारी मीन पोजीशन, ये है हमारी एक्सट्रीम पोजीशन, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये मान लीजिए पॉइंट बी है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे। तो अब हम वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगाएंगे ए और बी के बीच में, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है? मीन पोजीशन पे। मैक्सिमम वेलोसिटी इज ऑन द मीन पोजीशन। तो अगर मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पे होती है तो हमें वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम कहाँ लगानी पड़ेगी? एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच में। तब लगाओ वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, यहां लगा देता हूं पीछे। तो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बात समझ में आई? तो आपको तो अभी छोड़ देता हूं क्लास, फिर मुझे मत कहना कि सर ये टॉपिक रह गया है ना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, एम जी फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक्स, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग 1/2 के फाइनल डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 1/2 एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब यहां से आप बी मैक्सिमम की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर लेना। दिस इज योर वर्क, दिस इज योर टास्क, ठीक है। कंप्लीट तो करना पड़ेगा जो काम हमने शुरू किया है, चाहे आपने चैलेंज लिया हो, चाहे आपने ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया हो, हमें चीजें थोड़ी बहुत तो पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए क्या चीज क्लियर हो गई? क्लियर हुई? बस लास्ट टॉपिक है पावर, पावर आने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। वर्क एनर्जी पावर, तो वर्क हमने पढ़ लिया, एनर्जी हमने पढ़ ली, अब हमें बस पावर ही तो पढ़ना है। तो इतना घबरा क्यों रहे हो? थोड़ा सा ही बाकी है, थोड़ा सा, ज्यादा बाकी नहीं है। अब हम आ रहे हैं पावर पे। किस पे आ रहे हैं? पावर पे, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? पी होता है अपना डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी टी, रेट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, रेट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। और डी डब्ल्यू हमने पढ़ा है, डी डब्ल्यू क्या होता है सर? एफ डॉट डीएस, यहां नीचे डी टी। तो डीएस अपॉन डी टी क्या होता है सर? डीएस अपॉन डी टी होता है वी, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी,
फोर्स और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट, इट विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस पावर। कैसा पावर देगा? इंस्टेंटेनियस पावर देगा। एवरेज पावर क्या होती है सर? एवरेज पावर होती है पी, दैट इट विल बी टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, ध्यान रखिएगा, ये क्या होती है? टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। रात को जब आप मान लीजिए इन केस 10 बजे फोन चलाने बैठते हो, यूट्यूब देखने बैठते हो, तो पता ही नहीं चलता सर 2 घंटे कब निकल गए। लेकिन जब भी 2 घंटे में प्रोडक्टिव काम करना होता है ना, इतने लंबे लगते हैं वो, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्विंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बता देता हूं अभी क्या क्या है। इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप कहोगे तो उसको हम फिर स्पेशल क्लास में डील करेंगे। क्या कहती है जनता कि वर्क पावर एनर्जी की स्पेशल क्लास में रिमेनिंग टॉपिक्स डील किया जाए या फिर ये क्वेश्चन करके रोक दिया जाए? इसका भी पार्ट टू लाया जाए। टाइम का पता चलता ही नहीं है, पढ़ेंगे टाइम का पता थोड़ी चलेगा। रील देखेंगे तब टाइम का पता चलेगा, पढ़ने पर नहीं चलता है, सही है कि नहीं? तो इस भैया ने क्या किया, इस भाई साहब ने क्या किया, ये कोई एक आदमी है, उल्टा आ गया, इसने अपने ऊपर एक वजन रखा और चल दिया। तो इंटरनल नॉर्मल के कारण वर्क डन टू जीरो। लेकिन ये किसको ऊपर उठा के ले जा रहा है सर? एमजी को ऊपर उठा के ले जा रहा है। तो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा, वी हैव टू कैलकुलेट दैट। अपने ऊपर सामान रख के लेके जाएंगे ना, वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो वर्क अपने को निकालनी क्या है, पावर, शक्तिमान देखते हो, है ना? तो पावर उसमें होता है किल्विश। तो वो पावर क्या होती है सर? पावर होता है टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। और टोटल वर्क डन क्या होगा? टोटल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। फोर्स कितना होगा? mg। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 सेंटीमीटर के स्टेप्स हैं और 20 स्टेप्स हैं, तो 20 सेंटीमीटर के स्टेप्स हैं और 20 स्टेप्स हैं, और ये कितने टाइम में ऊपर जाता है? कितने टाइम में ऊपर जाता है सर? ये जाता है 10 सेकंड्स में। ये अपना वजन तो उठा के लेके जाता ही है, लेकिन ये दोनों कंसीडर करना पड़ेगा ना, इसका खुद का भी वजन है और ये अपने ऊपर चीज भी लाद के लेके जा रहा है, ठीक है? तो 60 प्लस 20 दोनों कंसीडर करने पड़ेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यहां पे 60 भी कंसीडर करना पड़ेगा और 20 भी कंसीडर करना पड़ेगा। बोलो हा ना, अरे हा ना बोलो। बताओ क्या आंसर आ रहा है? 80 तक के आंसर कैलकुलेट करके बताओ, सीधा वैल्यू बताओ कि आंसर क्या है। एट्टी इंटू टेन, इसमें कितना दे रखा है? 9.8 दे रखा है ना, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। 80 इंटू 9.8 इंटू 20 स्टेप्स, एक 20 सेंटीमीटर का, तो एक दो, ये दो तो ऐसे कट गए, ठीक है, ये हो गया जीरो, ये जीरो ऐसे कट गया। 8 2 16, 16 2 32, 320 के आसपास कुछ आ रहा है, 320 310 के आसपास, 0.98 है, तो 0.2% उसका माइनस कर दो, 6 माइनस कर दो, 313 पॉइंट कुछ समथिंग होगा, 313 पॉइंट कुछ समथिंग, ठीक है? चलो बढ़े आगे की ओर। यहां पे बताओ पावर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एट बी एंड ए, बी एंड सी, इसी इंस्टेंट पे बताना है। फोर्स मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी, सॉल्व करो फटाफट।
तो भैया जी एबीसी पर बताना है, डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है। क्या लेना है? डॉट प्रोडक्ट तो ले लो। देखो रिप्रेजेंट करो, आप रिप्रेजेंट कीजिए। ए पर वेलोसिटी है यू ऊपर की तरफ, और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। फोर्स कितना लग रहा है? एम जी। और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90+ थीटा। बी पर ऑब्जर्व करो। सर बी पर वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बी पर वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना? बी पर वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगी? यू कॉस थीटा। और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? नाइन्टी डिग्री। सी सी पर वेलोसिटी क्या होगी? सर सी पर वेलोसिटी होगी ऐसे, दिस एंगल विल बी थीटा। फोर्स कहां लगेगा? नीचे, एम जी। फोर्स इंटू वेलोसिटी होगा ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब कुछ बचा? नहीं बचा, अब तो सॉल्व हो गया। अब हमें निकालनी है पावर ए पे। देखो पावर एट ए, इट विल बी फोर्स कितना है? एम जी। और वेलोसिटी कितनी है? यू। और बीच में एंगल कितना है? 90+ थीटा। क्या बात समझ में आई? है ना? एम जी डॉट यू कॉस 90+ थीटा, वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल। अगर हमें निकालनी है इंस्टेंट पावर एट बी, इंस्टेंट पावर एट बी, फोर्स लग रहा है नीचे एम जी, वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो बी पर पावर कितनी हो जाएगी? सर बी पर पावर हो जाएगी डेफिनेटली इक्वल टू जीरो, बिकॉज फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ सी पे, सी पे सर फोर्स लग रहा है एम जी नीचे की तरफ, वेलोसिटी है यू, बीच का एंगल है कॉस 90 माइनस थीटा। बीच का एंगल है कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। क्या ये बात समझ में आई? सिंपल। फोर्स वेलोसिटी बीच का एंगल, फोर्स वेलोसिटी बीच का एंगल, फोर्स वेलोसिटी बीच का एंगल। अब सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन में आपको बतानी है एवरेज पावर डिलीवर्ड बिटवीन ए एंड बी। एवरेज पावर डिलीवर्ड बिटवीन ए एंड बी, इट्स वेरी सिंपल। ए और बी के बीच में टोटल वर्क डन कितना हुआ? एवरेज पावर डिलीवर्ड बिटवीन ए एंड बी, तो एवरेज पावर विल बी टोटल वर्क डन। सर टोटल वर्क डन विल बी फोर्स है एम जी, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं एच मैक्सिमम, और डिवाइड बाय टाइम लग रहा है टाइम ऑफ राइज, तो माइनस का एम जी। एच मैक्सिमम को क्या लिख सकता हूं मैं? यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। और टाइम ऑफ राइज को क्या लिख सकता हूं? यू साइन थीटा इंटू जी, है ना? बात समझ में आई? व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट? दिस डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम हाइट। अब मोशन इन प्लेन यहां पे काम आ गया, तो ये क्या होता है? यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी। तो यू वाई क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। और यहां से यहां तक जाने में लगा टाइम, क्योंकि ए से बी तक अपने को एवरेज पावर निकालनी है। तो टाइम ऑफ राइज क्या होता है? टाइम ऑफ राइज होता है यू वाई अपॉन में जी। तो टाइम ऑफ राइज को मैं क्या लिख सकता हूं? यू साइन थीटा अपॉन में जी। सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट एवरेज पावर। कितना आएगा एवरेज पावर बताइए प्लीज? माइनस का एम जी यू साइन थीटा बाय टू,
माइनस का एम जी यू साइन थीटा डिवाइड बाय टू। क्यों? क्योंकि ये जी से ये जी कट गया, साइन थीटा यू से ये एक साइन थीटा और ये कट गया। माइनस में क्यों आया? माइनस में क्यों आया? क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, वी आर गोइंग अगेंस्ट द फोर्स, वी आर गोइंग अगेंस्ट द फोर्स। क्या बात समझ में आई? पक्का? हाँ पक्का। चलिए नाउ लेट्स सी व्हाट्स योर पोटेंशियल। कितनी देर तक क्लास में बैठ सकते हो? 12 बजे तक क्लास लूंगा बेटा मैं, ठीक है? नाउ लेट्स सी व्हाट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल है ना, क्या होता है पोटेंशियल का मतलब? पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी टू डू समथिंग, एबिलिटी टू डू समथिंग। अब जो पोटेंशियल डिफाइन होता है ना, इट विल बी ऑलवेज डिफाइंड फॉर द सिस्टम ऑफ फोर्सेस। खाली एक के लिए पोटेंशियल डिफाइन नहीं होगा, एक सिस्टम के लिए डिफाइन होगा, पूरा एक सिस्टम के लिए डिफाइन होता है, खाली एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन नहीं होता। और ये पोटेंशियल डिफाइंड होता है विद द हेल्प ऑफ द वी कैन से कि ये आपका ऑब्जेक्ट किस फील्ड में, किस पोजीशन पे रखा हुआ है, उसके बेसिस पर पोजीशन आपका ये पोटेंशियल डिफाइंड होता है। अब मान लो ये एक बालक है, इस बालक के ऊपर मैं ये बॉल गिराता हूं इस हाइट से, इसको कितना नुकसान हुआ? कम हुआ। इस बालक के ऊपर मैं बॉल गिराता हूं, कम नुकसान हुआ, कम। तो इसका अभी पोटेंशियल कम है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, अब गिराता हूं, ज्यादा नुकसान होगा। जितना ज्यादा ऊपर से गिराऊंगा उतना ज्यादा इसको इंजरी होगी, होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? जितना ज्यादा ऊपर से फेंकूंगा उतना ज्यादा नुकसान होगा। समझ में आया? जितना ज्यादा ऊपर से फेंकेंगे, ये कोई आपकी लोहे की बॉल है ना, और ये भाई साहब खड़े हैं नीचे, ये भाई साहब खड़े नीचे यहां पे। अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए ये है वन, ये है टू, नुकसान ज्यादा किससे होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। एक पत्थर है, इन भाई साहब के ऊपर गिर रहा हूं मैं, नुकसान ज्यादा किससे होगा? ज्यादा पोटेंशियल किसके पास होगा? वन के पास, क्योंकि वन टू से ऊपर है ना। वन क्या है? टू से ऊपर है, और अगर वन टू से ऊपर है तो वन से नुकसान ज्यादा होगा, वन का पोटेंशियल ज्यादा है, तो ऊपर जाने पे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, ऊपर जाने पे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। बट मुझे ऊपर जाने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट भी तो वर्क डन करना पड़ रहा है। आई बात समझ में? कि वो वर्क डन कहाँ गया? इसके अंदर स्टोर हो गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अर्थ और उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम कंपैरिजन करें तो जो टू नंबर पे है उसकी पोटेंशियल जी कम है एज कंपेयर टू जो वन नंबर पे है। तो अर्थ और टू नंबर वाले की पोटेंशियल एनर्जी कम है, अर्थ और वन नंबर की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूं तो ऊपर जाने पर मुझे वर्क डन करना पड़ता है, वी हैव टू डू वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। और ग्रेविटी फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, इट इज द थिंग, इट इज द वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज द वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। क्या ये बात समझ में? क्या ये बात समझ में? इसी को अगर मैं यूज करूं, थोड़ा सा डेरिवेशन करूं, थोड़ा सा डेरिवेशन करूं, तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस ऑफ वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, कंजर्वेटिव फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो डी यू की वैल्यू क्या होगी सर? माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये जो कंजर्वेटिव फोर्स जो लग रहा है, अब ये जो कंजर्वेटिव जो फोर्स लग रहा है, ये बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी लग रहा है, डॉट डी आर ई इक्वेशन हमें याद रखना है।
मैंने अभी क्या समझाया, ऊपर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है ड्यू टू द वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द नेगेटिव साइन है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द नेगेटिव साइन है। और अगर आपको कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी यू अपॉन में डी आर आर कैप, माइनस ऑफ डी यू अपॉन में डी आर आर कैप। तो ये दोनों फॉर्मूले खून में घुस जाने चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम इन्हीं दो फॉर्मूले के बेसिस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई? अब देखिएगा, अभी हमने बात की कि सर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है, सेट इज माइनस ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये जो डेल यू है माइनस वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स क्या है सर, माइनस ऑफ, मैं ऊपर जा रहा हूं तो एम जी एच, सो डेल यू विल बी इक्वल टू सर एम जी एच। तो ऊपर जाने पर मेरी कितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी सर, एम जी एच विद रिफरेंस टू द ग्राउंड। डेल यू का मतलब क्या होता है सर, डेल यू का मतलब होता है यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल, इट विल बी एम जी एच, इट विल बी एम जी एच। क्या ये बात समझ में आई, बोलो बेटा समझ में आई, पक्का पक्का पक्का? तो हमने यहां से क्या सीखा, हमने सीखा सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए चाहिए सिस्टम ऑफ मासेस, इट इज डिफाइंड फॉर सिस्टम नॉट फॉर इंडिविजुअल मास। जब हम ऊपर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी, जब हम नीचे आएंगे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। ऊपर जाएंगे तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, एम जी एच, नीचे आएंगे तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, एम जी एच। व्हाट इज एच, हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एच, हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। इसमें कोई संदेह है किसी को? नाउ अब हम यहां बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट की, किसकी बात करते हैं, रेफरेंस पॉइंट की, इसमें नहीं दे रखा। चलिए ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ये बीच में कहीं है। अब पेन पेपर कोई यूज नहीं करेगा, टाइम खत्म, और ये एकदम नीचे है। अब एक चीज सिखा रहा हूं मैं आपको, बेहतरीन चीज है ये। अब है ना मक्खन आने वाला है, बटर, इस सेशन का जो बटर है ना वो यही है, इस सेशन का जो बटर है ना वो यही है, ठीक है, ये ग्राउंड है। और इसका जो मास एक्ट कर रहा है वो यहां पे एक्ट कर रहा है। तो मैं क्या करता हूं, रेफरेंस ले लेता हूं, एक रेफरेंस तो मैं यहां ले लेता हूं, एक रेफरेंस मैं यहां ले लेता हूं, एक रेफरेंस मैं यहां ले लेता हूं। अब आप मुझे बताओ इसको ऊपर ले जाना है कि नीचे लाना है। इसको मान लीजिए ऊपर लेके जा रहे हैं अपने, मान लीजिए हम इसको ले जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, कितनी हाइट लेके जा रहे हैं, एच हाइट तक ऊपर लेके जा रहे हैं, बात समझ में आई? जो टोटल हाइट है इट विल रिमेन सेम एच, जो टोटल हाइट है इट विल रिमेन सेम एच। अब थोड़ी सी कंसिस्टेंसी कम होने वाली है आप सभी लोगों की। मान लीजिए टोटल हाइट क्या है, एच है, टोटल हाइट एच है। दिस इज माय इनिशियल कंडीशन, दिस इज माय फाइनल कंडीशन, दिस इज माई इनिशियल कंडीशन, दिस इज माई फाइनल कंडीशन। ये है मेरा रेफरेंस वन, ये है मेरा रेफरेंस टू, ये है मेरा रेफरेंस थ्री। नाउ अगर मैं बात करता हूं फॉर रेफरेंस वन, किसकी बात करता हूं, रेफरेंस वन की, एम जी फोर्स विल बी ऑलवेज एक्ट इन विच डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं रेफरेंस वन की बात करूं, अगर मैं इसको रेफरेंस लेता हूं, इसको रेफरेंस लेता हूं, तो इस रेफरेंस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब मेरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, सर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, माय पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, प्लस का एम जी एच। तो व्हाट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल सर, इट विल बी एम
जी एच समझ में आया, फोर रेफरेंस वन। अगर मान लीजिए मैं रेफरेंस लेता हूं टू, यहां ले लेता हूं, ठीक है, रेफरेंस ले लेता हूं टू, और ये डिस्टेंस मान लो एक्स। अगर मैं टू को रेफरेंस लेता हूं तो टू के रेफरेंस में मैं इनिशियली कहां हूं, नीचे। टू के रेफरेंस में मैं इनिशियली कहां हूं, नीचे, तो मेरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी सर, माइनस ऑफ एम जी एक्स। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सर, टू के रिस्पेक्ट में मैं हूं ऊपर, टू के रिस्पेक्ट में हूं ऊपर, कितना ऊपर हूं, एच माइनस एक्स, तो प्लस का एम जी इन ब्रैकेट एच माइनस एक्स। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल क्या आ रहा है सर, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल विल बी अगेन एम जी एच, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अगेन एम जी एच। चाहे आप रेफरेंस वन लो, चाहे आप रेफरेंस टू लो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल विल बी ऑलवेज एम जी एच, अगर आप ऊपर जा रहे हो एच डिस्टेंस। तो अगर मैं लेता हूं मान लीजिए फोर रेफरेंस नंबर थ्री, अगर मैं थ्री को रेफरेंस लेता हूं, थ्री को रेफरेंस लेता हूं, तो मेरी यू फाइनल कितनी हो जाएगी, जीरो। जिसको रेफरेंस लोगे वो जीरो हो जाता है, यू फाइनल विल बी जीरो। और यू इनिशियल क्या हो जाएगा सर, यू इनिशियल मैं रेफरेंस से नीचे हूं, मैं रेफरेंस से नीचे हूं, फॉर थ्री रेफरेंस मैं नीचे हूं, थ्री रेफरेंस के लिए अगर मैं नीचे हूं तो माइनस का एम जी एच, सो यू इनिशियल विल बी माइनस ऑफ एम जी एच। तो अगेन यू फाइनल माइनस यू इनिशियल विल बी एम जी एच। तो हमेशा नीचे से ऊपर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल विल बी एम जी एच। चाहे आप रेफरेंस नीचे वाला लो, चाहे बीच में कहीं लो, चाहे ऊपर कहीं लो, क्या ये बात सबको समझ में आई। तो वी कैन नॉट डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्युटली, हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते। यहां पर एक हमें रेफरेंस लेना पड़ता है और उस रेफरेंस पे हमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो माननी पड़ती है। ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, नीचे जाने पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो देर विल बी ऑलवेज वी आर टेकिंग ए रेफरेंस, हमें क्या लेना पड़ेगा, रेफरेंस लेना पड़ेगा। अब इस एग्जाम्पल में हमने नीचे रेफरेंस लिया तो नीचे की पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ऊपर की पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। अगर हमने ऊपर रेफरेंस लिया तो यू फाइनल विल बी जीरो, यू इनिशियल विल बी माइनस एम जी एच, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल विल बी ऑलवेज एम जी एच। अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो ये चीज पक्का याद रखनी पड़ेगी आपको, ये चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है, यही चीज एक्सप्लेन कर रखी है आपने। चलिए बड़े आगे क्यों नाउ, इसकी हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एक रोड है, एक रोड है, और इसको हमने ऐसा सीधा खड़ा कर रखा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, जैसे इस केस में मैं पॉइंट मासेस कंसीडर कर रहा था, ठीक उसी तरीके से यहां पर भी मैं एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा मास कंसीडर कर लेता हूं, एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा मास कंसीडर कर लेता हूं। तो इस छोटे से मास की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अगर मान लीजिए ये रेफरेंस है तो ऊपर है मास तो पॉजिटिव, कितना है सर डीएम है ऊपर जी, और कितनी हाइट पर है, एक्स हाइट पर है। तो इस डीएम को क्या लिख सकता हूं मैं सर, इस डीएम को लिख सकता हूं टोटल मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय द इसका लेंथ। तो इस डीएम को लिख दिया मैंने, तो डी यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम बाय एल एक्स एम जी, लिख दो इसको, एम जी एल इंटू एक्स डी एक्स, जीरो से एल, तो यू विल बी इक्वल टू एम जी डिवाइड बाय एल एक्स स्क्वायर बाय टू, वी विल गोइंग टू इम्पोज द लिमिट फ्रॉम जीरो टू एल, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम सर, इट विल बी एम जी एल बाय टू, एम जी एल बाय टू,
एम जी एल बाई टू, एम जी एल बाई टू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एम जी एल बाई टू। अगर रोड वर्टिकल खड़ी है तो एम जी एल बाई टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या सर? पोटेंशियल एनर्जी विल बी सर एम जी इंटू एल बाई टू, एम जी इंटू एल बाई टू। अब इस एम जी इंटू एल बाई टू का मतलब क्या है? टोटल लेंथ है एल, तो इस टोटल लेंथ एल का मास कहां पर कंसंट्रेटेड होगा सर? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, और वो नीचे से कितना ऊपर होगा? एल बाई टू, एल बाई टू। आई बात समझ में? इसकी टोटल लेंथ है एल, शॉर्टकट बता रहा हूं, इसकी टोटल लेंथ है एल, इसका मास है एम, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा? एल बाई टू पे, और वहां पे नीचे की तरफ फोर्स काम करेगा एम जी। तो रेफरेंस से एल बाई टू डिस्टेंस पर फोर्स काम कर रहा है नीचे एम जी, तो एम जी एल बाई टू, एम जी एल बाई टू, एम जी एल बाई टू। क्या ये बात समझ में आई? इस पूरी रोड का मैंने जो मास है एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिया कैपिटल एम, और कितनी डिस्टेंस पर किया? एल बाई टू पर। थम्स अप करके बताओ, इस पर हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, इस पर हम थोड़ी देर में एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो भैया, समझ में आया? ठीक है, चलिए। अब हम बात करने वाले हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में जो हम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते हैं उसकी वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? ओके, नाउ इट्स वेरी सिंपल। अभी हमने देखा सर, पोटेंशियल एनर्जी इज इंटीग्रेशन, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी आर, एफ इंटू डी आर। ये अपना अपनों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था। अब यहां पे डी आर लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे हम डीएक्स लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। किस डायरेक्शन में हो रहा है? एक्स डायरेक्शन में। नाउ सी, अगर यहां पे एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हमें फोर्स देखना पड़ेगा ना, फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? फोर्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स विल बी ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। स्प्रिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो डी यू बराबर माइनस इंटीग्रेशन स्प्रिंग फोर्स माइनस का के एक्स इंटू डीएक्स। अब ये आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है पीछे के एक्स, डिस्प्लेसमेंट लग रहा है आगे डीएक्स, है ना? सॉरी, स्प्रिंग फोर्स को ऐसे लिख लो ना, हमने स्प्रिंग को कितना खींचा? हमने एक्स खींचा, तो स्प्रिंग फोर्स इज के एक्स, और डिस्प्लेसमेंट लग रहा है आगे डीएक्स। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है सर? 180 डिग्री। तो इनका जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो नेगेटिव साइन आएगा कि नहीं आएगा? जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो डेफिनेटली देर विल बी नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। तो इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डीएक्स, सो डी यू विल बी, डी यू का इंटीग्रेशन करना चाहो तो कर लो, करना हो तो कर लो, दोनों तरफ किया है, नाराज हो जाओगे नहीं तो कर लो। तो डी यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा यू, तो इसको हटाता हूं। शांति धरो, कुछ सीखना है तो बैठना पड़ेगा, पहले ही मैं कह देता हूं। इट्स अ वेरी हार्ड चैलेंज, दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है पढ़ना, दुनिया का सबसे मुश्किल काम। अभी मैं आपको कहूं पार्क में घूमना है, वीडियो देखनी है, मूवी देखनी है, खाना खाना है, जिस काम में मेहनत नहीं लगती है ना, उसमें डोपामिन रिलीज होता है कि भैया ये काम करो मेहनत कम लगेगी, फील ले लो और निकल जाओ। यहां पे मैं आपको फील नहीं दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू द कंसेप्ट एंड वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। कोई गोली नहीं दे रहा हूं कि सर ने फिजिक्स की गोली दे दी, लो भैया आज हमने एक फिजिक्स की गोली खाई है, सुबह हमें सब फिजिक्स समझ में आ जाएगा। अरे भैया, क्लास लेके पढ़ोगे ना तो नहाते ही चीजें गायब हो जाती है, रिवीजन करना भी जरूरी होता है। तो देखते हैं कौन लास्ट तक बैठता है, देखते हैं। सो दिस विल बी ए टास्क फॉर ऑल्सो यू। तो के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे प्लस में सी ए कॉन्स्टेंट आएगा, और हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें एक रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो
मान लीजिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जीरो। रेफरेंस हमने ये लिया है कि जब बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ वी आर टेकिंग व्हाट, वी आर टेकिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जब बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फ्री है स्प्रिंग, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। ये रेफरेंस मान सकते हो। अब मैं इसको खींचूंगा, अब मैं इसको खींचूंगा, वी आर गोइंग गिविंग द डिस्प्लेसमेंट, तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, इट विल डिवाइड बाय टू के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू। देखो ये भी बच गया है। एक की बैटरी खत्म होगी, दूसरे को यूज में लेना पड़ेगा, तो बैटरी भी खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए समझ में आया। के एक्स स्क्वायर बाय टू, के एक्स स्क्वायर बाय टू, ये तो आना ही था। जितना वर्क डन स्प्रिंग पे करोगे, अगर आपने स्प्रिंग को एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया है, इनिशियल जीरो फाइनल इज एक्स, के एक्स के डिवाइड बाय टू इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल का स्क्वायर, तो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। जो स्प्रिंग में एनर्जी जो स्टोर्ड होता है ना, किस फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। किस एनर्जी की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। सो दिस इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। बस बस 10 मिनट और बचे, 10 मिनट और। अगर हम 10 मिनट बैठ गए ना, इट्स गिव मी ए वेरी हाई सेटिस्फेक्शन, यस वी कैन कंप्लीट दिस वर्क एनर्जी थ्योरम। अदरवाइज पेंडिंग हो जाएगा बेटा, पेंडिंग चीज। आपको पता है कि आज आपको कुछ रिवीजन करना था और आपने कुछ पेंडिंग छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, पेंडिंग, तो उसको वापिस करना बहुत मुश्किल होता है। पेंडिंग पेंडिंग रह जाता है, और कोई चीज पेंडिंग रह जाती है ना, स्ट्रेस लेवल विल बी इंक्रीज्ड, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। अब उसी की हेल्प से मैं निकालने वाला हूं आज एक नया प्रिंसिपल, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब आराम से सभी लोग शांति से धर के बैठे रहेंगे, पानी पी लेंगे और लिखते रहेंगे। हमें पता है कि सर जी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड इट्स माय गारंटी। वन शॉट के चक्कर में बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है। मैंने यहां पर एक भी टॉपिक मिस किया हो तो मुझे बताइएगा आज के सेशन में, और अगर मैं कुछ मिस करूंगा तो डेफिनेटली आई विल टेक ए सेशन पार्ट टू, है ना। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। आपने अपने से वादा किया है कि मुझे ये टास्क करना है, मैंने खुद से वादा किया है कि मैं पूरा कंटेंट आपको दूंगा। तो जितना प्यार मैं आप लोगों को करता हूं ना, उतना ही प्यार मैं सामने से एक्सपेक्ट भी करता हूं। तो ये प्यार कम नहीं होना चाहिए, इवन दो वी आर वेरी इन ए सच ए सिचुएशन कि अभी हमें बहुत चीजें नहीं आती है, बट डेफिनेटली वी विल लर्न समथिंग एंड वी विल फाइंड समथिंग चेंज आफ्टर ए वीक। एक हफ्ते बाद आप अपने आप को एनालिसिस कर लेना, आप में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा, कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा, कुछ ना कुछ आपका सेटिस्फेक्शन होगा कि भैया 11th का इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया। चलो नाउ, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो इंटरनल फोर्स भी हो सकता है प्लस एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल फोर्सेस कौन से होते हैं, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, वैसा कुछ सिस्टम है ना, वैसा कुछ सिस्टम। तो इंटरनल फोर्सेस में दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, प्लस एक होता है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। नाउ इफ आई एम आस्किंग यू वन थिंग, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और यहां से ऐसा जादू आने वाला है ना जो ग्रेविटेशन में काम आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में काम आएगा। तो नाउ इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ डब्ल्यू सी, और माइनस ऑफ डब्ल्यू सी को क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, इसको मैं लिख सकता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस का डेल्टा यू, प्लस का डेल्टा यू
माइनस ऑफ डब्ल्यू सी को क्या लिख सकता हूं मैं, प्लस का डेल्टा यू। माइनस ऑफ डब्ल्यू सी को क्या लिख सकता हूं, प्लस का डेल्टा यू। नाउ नाउ अब मैं यहां पे एक एजम्पशन लेता हूं, इफ इफ अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल जीरो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगा रहे हो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगा रहे हो, और वर्क डन बाय अगर नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू जीरो हो, तो उस केस में डेल्टा के प्लस डेल्टा यू विल बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी टर्म जीरो हो जाएगी। डेल्टा के को लिख सकता हूं के फाइनल माइनस ऑफ के इनिशियल, और डेल्टा यू को लिख सकता हूं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू जीरो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, और मैं इसको लिख सकता हूं के प्लस यू इक्वल टू कांस्टेंट। अरे बाबा रे बाबा, के प्लस यू इक्वल टू कांस्टेंट, और यही के प्लस यू तो जादू है। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, यानी मैकेनिकल एनर्जी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट हो जाए, तो उस लॉ को हम क्या कहेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। विच एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चमका के नहीं चमका, कहां से कहां आए हैं, हाँ कहां से कहां आए हैं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेट्स हैव ए गो थ्रू ऑन दिस स्लाइड, है ना। इधर देख लो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस मतलब एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, इंटरनल होता है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो हो, तो जो एनर्जी बच गई उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, एंड दिस विल बी योर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है। ठीक है बच्चा जी, कोई समस्या हो तो बताओ। बोलो, और इसके बेसिस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करवा देता हूं, मेरे भी मन में नहीं रहेगा, एक क्वेश्चन करवा देता हूं। ठीक है चलो, क्वेश्चन मत पढ़ो, मुझे देखो। यहां पर ये जब पढ़ा है, इस रेफरेंस पे मैंने मान लिया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इसको मैं थोड़ा सा इधर खिसकाता हूं, थोड़ा सा जस्ट खिसकाया। अब जैसे ही थोड़ा सा खिसकाया, जैसे ही इसको मैंने मास को थोड़ा सा खिसकाया, चेन को, ये दर 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 नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। अब यहां पे है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसको मैं जस्ट खिसकाया, जस्ट थोड़ा सा खिसकाया, स्मूथ टेबल थी। अब यहां पे नीचे की तरफ फोर्स आया और ये ऐसे नीचे गिर गया, और जैसे इसने टेबल को छोड़ा, मुझे उस टाइम की काइनेटिक एनर्जी दी। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। टेक ए रेफरेंस पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए रेफरेंस पॉइंट, अरे रेफरेंस पॉइंट, टेक ए रेफरेंस पॉइंट दिस हॉरिजॉन्टल, ये रेफरेंस ले लो। अगर ये रेफरेंस है तो भैया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और क्योंकि मास यहीं पे पड़ा है, और एंड 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 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। घुसा दिमाग में ना, गड़ 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 नीचे गिर गया। अब जैसे ही इसने टेबल को छोड़ा, ये नीचे पहुंच गया, नीचे की तरफ एम जी, नीचे की तरफ कितनी डिस्टेंस पर गया सर, एल बाई टू पे, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां पर फाइनल पोटेंशियल जी सर नीचे की तरफ है, माइनस का एम जी, कितने डिस्टेंस पे है, एल बाई टू पर, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का स्क्वायर, दोनों को इक्वल कर दो, जीरो बराबर माइनस ऑफ mgL/2 प्लस 1/2 mv का स्क्वायर, बिकॉज इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, एम से एम गया जी,
एम से एम गया जी, टू से टू गया जी, तो क्या वी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ जी एल आ रही है? क्या वी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ जी एल आ रही है? लगाना मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट यहां पे। बोलो हाँ ना। समझ में आया? रोगों में चली जानी चाहिए। टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कांस्टेंट अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज जीरो। ये चीज है ना, यू आई के आई, यू फाइनल के फाइनल, ग्रेविटेशन में काम आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में काम आएगी। पक्का पक्का? कुछ भी नहीं समझ आ रहा ना क्वेश्चन में, दो चीजें तो लगाई दो। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी थ्योरम। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी थ्योरम। कुछ ना कुछ तो प्रोडक्टिव निकलेगा ही निकलेगा, है ना? कुछ ना कुछ तो प्रोडक्टिव जरूर निकलेगा। चलिए अब बाकी क्वेश्चन तो आप लगा लोगे, उसमें कुछ मेरे हिसाब से इतना हार्ड टास्क नहीं है, है ना? चलिए ओके। मैक्सिमम मिनिमम वाला जो कंसेप्ट है वो मैं अभी नहीं करवा रहा, वो जब मैं आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा पार्ट टू में, उसमें मैं कवर करूंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि समझ नहीं आएगा अभी, है ना? अभी समझ नहीं आएगा, अभी कवर नहीं करूंगा, वो करूंगा कवर में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के पार्ट टू में, ठीक है? पार्ट टू में अपने उसको डील कर सकते हैं, वेरी सिंपल। और सो देर इज अ बिग सेविंग डे, अनलॉक द बिग सेविंग्स, गेट 20% ऑफ ऑल नीट यूजी सब्सक्रिप्शन। पहली चीज की हम ये हार्ड चैलेंज क्यों कर रहे हैं, ये मुझे एक चीज बताइए कि वाई वी आर डूइंग दिस हार्ड चैलेंज, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर फेसिंग चैलेंज टू मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में समस्या आती है, बिल्कुल आती है। जो भी स्टूडेंट फ्रेशर है, पहली बार पढ़ रहा है, उसको 4 घंटे बैठ के पढ़ने में समस्या आएगी। तो व्हाट विल बी द रोल ऑफ द एजुकेटर है? तो एजुकेटर विल गाइड यू कि ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो और ऐसे बैठ के पढ़ो। द अदर रोल ऑफ यू इज कि जो सक्सेस मैटर करती है, जो रैंक मैटर करती है, जो मार्क्स मैटर करता है, वो आपके इनपुट पर मैटर करता है कि आप कितना इनपुट दे रहे हैं। मैं तो आपको बहुत सारा इनपुट दे दूंगा, मेरी तरफ से बहुत सारा आउटपुट आपको मिलेगा, बट आप उन चीजों को पचा पा रहे हैं कि नहीं, तो दैट इज मैटर। दैट्स व्हाई वी आर एम फॉर टेकिंग ए चैलेंज कि हम कंटिन्यूटी के साथ अच्छे से पढ़ने वाले। सो दिस विल हेल्प यू द अनअकैडमिक सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर टाइमिंग पे क्लासेस मिलती है, सो दैट आप एक डिसिप्लिन मैनर में सारी क्लासेस को अटेंड करते हैं सीरियसली, बिकॉज आपने क्या किया होता है, जैसे फीस पे कर रखी होती है, सो इट विल गिव यू मोटिवेशन। किसी के लिए मनी मैटर्स होता है, वो मोटिवेशन करता है, किसी के लिए फादर मदर मोटिवेशन होते हैं, सो वी नीड ए मोटिवेशन। सो दैट्स वाई इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो द रूटीन, इफ यू आर फेसिंग चैलेंज वाइल स्टडिंग, देन हेयर इज एन अकेडमी फॉर यू। आपको पूरी हेल्प करने के लिए तैयार है, टिल फ्रॉम जीरो लेवल टिल द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन, एकदम लेवल तक। तो अभी अनअकैडमी पर ऑफर चलता है, जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है, और अगर आपसे कोई रेफरल कोड पूछा जाता है टू गेट एडिशनल डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी, यू कैन यूज रेफरल कोड विशाल 11, ठीक है? तो आप ये कोड यूज में ले सकते हैं टू गेट एडिशनल डिस्काउंट ऑन द अनअकैडमी कोर्सेस। इसी के साथ जो बच्चे कोर्सेज नहीं ले पाते हैं तो उनके लिए अनअकैडमी स्कॉलरशिप भी अरेंज करता है। जिन बच्चों की प्रिपरेशन चल रही है उनको अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस करना है, सो हेयर विल बी अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट। तो इस स्कॉलरशिप टेस्ट को सभी बालकों बच्चों को देना है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में क्या होने वाला है कि यहाँ पर आप अपना आपका एनालिसिस करेंगे कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। इफ यू आर इन अ वेरी गुड एट अकेडमिक्स देन अनअकैडमी विल प्रोवाइड यू आपको स्कॉलरशिप, जिससे कि आप अनअकैडमी पर कोर्सेस पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्रॉपर पता भी चलेगा कि इतने स्टूडेंट्स हैं, इतनी भीड़ है, और मुझे कितना इंप्रूवमेंट करना है। और यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा टाइम मैनेजमेंट, इसी स्कॉलरशिप टेस्ट से टाइम मैनेजमेंट, किस तरीके से नेगेटिव मार्क्स को अवॉइड करना है। तो इट विल गिव यू द रियल एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट। तो एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, फ्री में आपको रियल एग्जामिनेशन का इन्वायरमेंट मिल रहा है, डेफिनेटली यू शुड अटेम्प्ट। अदरवाइज अगर आप पहली बार में ही डायरेक्टली नीट का पेपर दोगे तो हो सकता है वहां पर आप हजारों गलतियां कर लो, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, है ना? ठीक है, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सेशन इज ओवर।
नहीं, चैप्टर में कुछ ऐसा पोर्शन बाकी है जिसके लिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपको आना चाहिए, तो इसलिए 10-15 मिनट का पोर्शन मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के साथ कवर करूंगा। ओके, चलिए। तो अगर हम बात करें अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की, तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती है जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को इनहेंस कर सकते हो, स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको माइंड मैप्स, फ्लैश कार्ड, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज वगैरह यहाँ पे सब आपको प्रोवाइड हो जाती है। ओके, इसी के साथ आपके एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं अनअकैडमी के यूजी सब्सक्रिप्शन के साथ, तो जिसमें आप अपने डाउट को विद डायरेक्टली एजुकेटर बात करके जो भी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जो भी डाउट्स है उनको आप क्लियर कर सकते हैं। डाउट डाउट को क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, डाउट को डाउट बनाए नहीं रखना है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। चाहे आप कोई भी चैप्टर पढ़े, कहीं से भी पढ़े, किसी से भी पढ़े, मुझे उसे कोई समस्या नहीं है, बट डाउट कभी भी मन में नहीं रहना चाहिए। सेल्फ डाउट तो बिल्कुल आना भी नहीं चाहिए कि मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। आपको अपने आप से एक ये प्रोमिस भी करना है कि जो भी हम ये जर्नी कर रहे हैं, जो भी हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें होता क्या है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम कम बचता है एग्जामिनेशन में, लोग हार मानना शुरू कर देते हैं। वो उनके मन में डाउट आने लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, इतना सिलेबस, इतने सारे चैप्टर्स, इतनी बुक्स, इतने क्वेश्चन, इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जब भी ऐसा सेल्फ डाउट आए मन में, तो मेरी बात को याद रख लेना, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि नहीं यार, लास्ट तक हार नहीं माननी है, चाहे मेरा सिलेक्शन हो या ना हो। इवन तो अगर आपने इतना भी कर लिया ना कि जब भी हार मानने बैठे कि चलो छोड़ो प्रिपरेशन, नेक्स्ट अटेम्प्ट में देखेंगे, उसी दिन आपने अपने आप से हार मानी। हमेशा सोचो कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मैं लास्ट तक प्रिपरेशन नहीं छोड़ूंगा, इवन दो मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, इवन दो मुझे कंसेप्ट कम समझ में आ रहे हैं। क्योंकि अगर आज आपने हार मान ली, तो कोई एक ऐसा स्टूडेंट भी हो सकता है जो 0 लेवल से उठ के 5 मई तक प्रिपरेशन करे और सिलेक्शन प्राप्त कर ले। तो हार बिल्कुल भी नहीं मानी, हार बिल्कुल भी नहीं मानी। अब आप अपना खुद का इवोल्यूशन भी तो देखिए, हम कितना एडवांसमेंट में आ चुके हैं। वी आर द ह्यूमंस, द मोस्ट सुपर पावर ऑन द अर्थ। इंसानी दिमाग से बड़ी ताकत अर्थ पे कोई है भी नहीं, तो कहां से हम कहां पहुंच चुके हैं। तो ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल एग्जाम है आपका, इसमें तो हार बिल्कुल भी नहीं मानी। ठीक है, तो शेड्यूल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब हम मिलेंगे 2 बजे अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे डीपीपी ऑफ काइनेमेटिक्स। एकदम क्वालिटी क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, जिसको सॉल्व करने में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा इस, तो बाय बाय, टेक अ, लव यू ऑल। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और साथ ही कमेंट में लिखना है एज टू डे इज कंप्लीटेड, सेकेंड डे इज कंप्लीटेड। तो आप भी अपनी तरफ से यहाँ से साइन ऑफ कर सकते हैं कि आज हमने फिजिक्स पढ़ ली है। ठीक है, सो बाय, टेक अ, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।